स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या विघ्नावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता सामापातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करानवनीरुदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टा सुन्दर मुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रद्वास कनक कपि संवैजयंती जमाना रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्ति कंकरतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम् सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जय मुदीरयेत्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बुद्धिहीन तनु जान के सुनिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या शुभकार श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दी वृंदावन को श्री वृंदावन को प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले गणपति भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। जगदम्बा मैया की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले राधिका रानी सरकार की जय। बोले गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। बोले पितृ देवताओं की जय। बोले अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् परम कारुणिक अखिलेश्वर चराचर जगदीश्वर भगवान अकारण कारण वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु सुभग पीतांबरधारी मेरे बाल गोविंद की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम आराध्या नित्य नवनीता परम पुनीता सौंदर्य राशनी नवल किशोरी महाराधिका रानी शिव स्वरूप पधारे हुए हमारे पूज्य गुरुदेव इस श्रीमद् भागवत ज्ञान एक को पूर्ण करने आए हेतु दूर दूर से आए हुए हमारे विप्र बंधु आचार्य गण संगीत पर पधारे हुए हमारे आचार्य बंधु माँ सावित्री गार्गी अनुसुईया इत्यादि माताओं के पग चिन्हों का अनुसरण करती हमारी भक्तिवती शक्तिवती माताएं भागवत कथा के रसिक कथानुरागी भक्तजन एवं बाल गोपाल स्वरूप बालक बालिकाएं 33 कोटि देवताओं सहित आप सभी के श्री चरणों में मेरा वंदन नमन श्री राधे जय जय श्री राधे हरे कृष्णा हर हर महादेव। ये आज श्रीमद् भागवत द्वितीय दिवस की कथा का श्रवण आज हम करेंगे और कल भी मैंने इस बात को कहा था कि ये हमारा सौभाग्य है कि इतने परम पावन तीर्थ में आकर के आप सभी को इस गया तीर्थ का महत्व पता ही होगा। यह गयासुर नाम का एक दैत्य है। हम जिस स्थान पर बैठे हैं
ये गयासुर नामक दैत्य का शरीर है। गयासुर जो दैत्य था, इसने भगवान का तप किया, कहा कि प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि जो कोई भी मेरा दर्शन करे वह समस्त पापों से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया तथास्तु। अब तो संसार में पाप इतना बढ़ गया, लोग पाप कर्म कर रहे हैं, और पाप कर्म करने के बाद गयासुर के दर्शन कर ले तो समस्त पाप क्या हो गए, कट जावे, और कट जावे। इस प्रकार से संसार में अनाचार पाप बढ़ गया। देवताओं ने मन में विचार किया कि यह सही नहीं है। जिस प्रकार हम गंगा जी में जाते हैं, क्या सोच करके कि हम अपने पापों को गंगा जी में बहाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप ये सोचें कि आप जीवन भर पाप करें और पाप कर्म करते करते आप गंगा जी में प्रवाहित करते रहे, नहीं। गंगा जी में आपके पापों का नाश तब होगा जब आप ये संकल्प लेकर के जाएं कि आज के बाद हम पाप कर्म नहीं करेंगे। गंगा जी भी पापों से निवृत्ति करते हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपको पाप करने की छूट मिल जाएगा, पाप कर्म से बचना पड़ेगा। तो यह जो गयासुर नाम का दैत्य है, इसके दर्शन मात्र से समस्त पापों की निवृत्ति हो जाती थी। अब तो देवता बड़े परेशान हुए। देवता गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी आपने ये सही वरदान नहीं दिया, क्या किया जाए। भगवान नारायण के समक्ष गए, नारायण ने युक्ति बताई कि देवताओं से कहा कि तुम गयासुर दैत्य के पास जाओ और उसे कहो कि हमें अपने यज्ञ हेतु पवित्र स्थान चाहिए, पवित्र भूमि चाहिए। ये समस्त देवता जब गयासुर के पास गए, गयासुर से कहा कि महाराज हमको अपने यज्ञ के लिए बहुत पवित्र भूमि चाहिए, कहां से मिलेगी। तो गयासुर जानता है कि मेरा शरीर सबसे पवित्र है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि आज यह गयासुर भूमि पर लेट गया और 5 कोस का इसका शरीर है। कितने कोस का? 5 कोस का। तो 5 कोस का विशाल शरीर यह लेट गया, कहा कि मेरे ही वक्ष स्थल पर, मेरी ही छाती पर आप क्या करो, इस यज्ञ को करो। और कहते हैं कि 1000 वर्ष तक इसकी छाती पर यज्ञ होता रहा, लेकिन इसके प्राण नहीं गए। तब कहते हैं कि स्वयं भगवान नारायण को प्रकट होना पड़ा। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि गयासुर, आपके इस संसार के कल्याण हेतु आपकी मृत्यु हमें चाहिए। गयासुर ने वरदान मांगा, प्रभु मुझे अपना शरीर का दान देने में कोई भी संकोच नहीं है, लेश मात्र नहीं, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि जो भी इस स्थान पर आए और अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करे, तर्पण करे, उनकी मुक्ति हो जावे। तो भगवान ने आज गयासुर को यह वरदान दिया है, और वही जो 5 कोस का जो स्थान है, यह जो गयासुर का शरीर है, वही आज गया तीर्थ है। ऐसे परम पावन धाम में जिसके दर्शन मात्र से पापों से निवृत्ति हो जाती है, पापों से मुक्ति हो जाती है, ऐसे परम पावन स्थान पर बैठ करके हम भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ है, ऐसा संयोग बनता है। ये तो गुरुदेव की कृपा हो गई है। गया तीर्थ में बैठ करके हम जो है पितृ पक्ष में भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, बहुत दुर्लभ संयोग है। और गुरु की कृपा से ही ऐसा दुर्लभ संयोग प्राप्त होता है। हम सब बड़भागी हैं कि हमको यह परम पावन अवसर प्राप्त हुआ है। आइए, चूंकि कथाएं बहुत हैं, आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश से पूर्व आइए, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और तत्पश्चात सभी मिलकर के कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा, जय जय श्री राधे। आइए भगवान नाम संकीर्तन। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारी, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारी। मिलकर के दोनों हाथों की तालियों के साथ खोल करके हाथों को
गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारी, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारी, राधे माधवारी, राधे माधवारी, राधे गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारी, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारी, हरि को गोविंद गोपाल राधे माधवारी, हरि को
संग में खड़ी कृष्ण दुलारी रे, देखो संग में खड़े कृष्ण दुलारी रे, कृष्ण दुलारी रे मेरी राधा प्यारी रे, कृष्ण दुलारी रे मेरी राधा प्यारी रे, श्री कृष्ण दुलारी मेरी राधा प्यारी रे, शीर्ष बात दुलारी रे मेरी राधा प्यारी रे, कि गावो गोविंद गोपाल राधे माधवारी, गावो गोविंद गोपाल राधे माधवारी, गावो गोविंद गोपाल राधे माधवारी, राधे माधवारे, 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 गाओ गोविंद गोपाल राधे राधे माधवारी, गावो गोविंद गोपाल 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 राधे माधवारी, गावो गोपाल राधे माधवारी, गोपाल एक बार प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। ये तीर्थ स्थान है, यदि आप किसी भी स्थान पर बैठ करके भगवान का नाम लेंगे तो उसका प्रभाव मिलेगा, लेकिन तीर्थ स्थान में बैठ करके अगर भगवान के नाम का उच्चारण आपने किया, याद रखिए जीवन बदल जाएगा। इसीलिए तो हमारे तीर्थों की इतनी बड़ी महिमा है। कली काल में कलयुग केवल नाम आधारा, गोस्वामी जी ने कह दिया। आप जानते हैं कल की कथा में मैंने आपको बताया कि कली का सबसे प्रथम प्रवेश हमारे तीर्थों में हुआ, लेकिन फिर भी हमारे तीर्थों की इतनी बड़ी महिमा है कि तीर्थ में बैठ करके अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कल की कथा में हमने श्रवण किया किस प्रकार से भक्ति महारानी और नारद जी के मध्य में चर्चा हुई है, ज्ञान वैराग्य जो कि मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं, मूर्छा को प्राप्त हो गए हैं, और नारद जी के द्वारा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के द्वारा जब नारद जी को श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की कथा श्रवण कराई गई तो ज्ञान वैराग्य का जो जरा है, जो बुढ़ापा है, वह दूर हो गया, और नृत्य करते हुए नारद जी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रताप है, जिस कथा को श्रवण करने हम हेतु हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो
कहा कि जब नारद जी ने संपूर्ण कथा का श्रवण कर लिया तो नारद जी ने एक प्रश्न किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कि हे गुरुदेव मुझे बताइए कि ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जिन लोगों ने अपने जीवन में सदैव पाप किया हो, अरे ज्ञान वैराग्य की मुक्ति तो संभव थी क्योंकि ये तो भक्त हैं, लेकिन क्या इस संसार में ऐसे लोगों की भी मुक्ति हो सकती है जिन्होंने अपने पूरे जीवन में पाप किया हो? अब बताइए ऐसा प्रश्न क्यों पूछा नारद जी ने, क्योंकि जानते हैं कि अब यह जो कलयुग में मनुष्य प्रवेश कर रहा है तो कलि काल में तो मनुष्य इतना बड़ा पापी होगा। अब बताइए ये तो अभी कलयुग कलि प्रथम चरण है। आचार्य जी जब जब संकल्प लेते हैं तो आप सुनते हैं कि कलयुग का प्रथम चरण है और अभी पाप इतना बढ़ चुका है, तो विचार करिए जब जब कलयुग की पूर्ण कृपा हो जावे तो समझ जाओ फिर तो हाहाकार मच जाएगा है? तो नारद जी ने कहा ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, अगर मनुष्य पाप करे अपने जीवन भर है, सदा दुराचार करे, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, तो क्या ऐसे पापी मनुष्य का भी उद्धार हो सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति भी उद्धार को प्राप्त हो सकता है, उसको भगवत कृपा प्राप्त हो सकती है? संकादिकों ने कहा नारद जी हम आपको इसी के विषय में एक आख्यान सुनाते हैं जिसको गोकर्ण उपाख्यान कहा गया है। काकी नारद जी आप ध्यान तया इस बात को श्रवण करिए। और ये कथा कौन सुना रहे हैं? श्री सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों को, यही कथा चल रही है। सूत जी सोनकादि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं, सनकादिक नारद जी को सुना रहे हैं और आगे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यह कथा श्रवण करा रहे हैं। तो यहाँ पर श्री सोनक जी महाराज को सूत जी यह कथा सुना रहे हैं कि हे सोनक जी कि तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूत पतन मूतमम यत्र वर्णा स्वधर्मेणा सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः स्रोत स्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय भास्कर। सुत जी कह रहे हैं ऋषियों ध्यान से इस कथा का श्रवण करिए। तुंग भद्रा तटे पूर्वम, तुंग भद्रा नाम की एक नदी है, उसके पास में एक उत्तम नगर नाम का एक स्थान है, नदी किनारे की व्यवस्था है, पास में एक गांव है, उसमें आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं, परम विद्वान हैं और श्रीमद् भागवत में उनको कहा गया द्वितीय भास्कर, जैसे कि साक्षात भगवान सूर्य, ऐसे उनका तेज उनका प्रताप पूरे नगर में है, परम बुद्धिमान है, वृद्धि का कार्य करके अपने परिवार का पालन करते हैं और ऐसा सामान्य वर्ग नहीं है, धनाढ्य है, सब कुछ है उनके जीवन में, सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है कि कोई संतान नहीं है। उनकी जो पत्नी है, कहा गया कि स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली महारानी, धुंधली, और धुंधली के बारे में श्रीमद् भागवत में कहा गया कि ये कैसी हैं, अपने वाक्य को स्थापित करने वाली, अपनी ही बात पर जोर देने वाली हैं। यद्यपि धुंधली बहुत ऊंचे कुल की हैं, कुलीन हैं, बहुत सुंदरी हैं, लेकिन बहुत अधिक बोलती हैं। अब आप विचार करिए, जरूरी नहीं है कि जो सुंदर हो वह
हृदय से भी सुंदर हो। आपने देखा होगा कि कई बार देखने में बहुत सुंदर व्यक्तित्व होता है, लेकिन जब आप बात करिए तो पता चलेगा अरे भैया इनके साथ तो निभाना मुश्किल हो जाएगा, हैं? और कई बार आदमी देखने में बड़ा सामान्य सा होता है, लेकिन उस व्यक्ति के विचार इतने उत्तम होते हैं, हैं? तो यह जो धुंधली है देखने में तो परम सुंदरी है, लेकिन इसका जो व्यवहार है कटु वाक्य बोलने वाली है, अपने ही वाक्य को स्थापित करने वाली है, जो मैंने कहा वही सही है, इस प्रकार की तर्क को करने वाली, आस पड़ोस में झगड़ा करने वाली, कलह प्रिया, कलह करने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि पूर्व काल में एक धुंधली हो गई। महाराज कलयुग में आप देखेंगे तो आपको घर घर में धुंधली मिल जाएगी, हैं? झगड़ा करने वाली, कलह प्रिया, अपनी ही बात को ऊपर रखने वाली, हैं? पतिदेव कहेंगे कि भैया इस कार्य को करना है, तो पत्नी कहेगी नहीं नहीं भैया आज ये करते हैं। एक दृष्टांत आता है कि एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी भी परम सुंदरी थी और बिल्कुल धुंधली जैसा ही स्वभाव था। पंडित जी कहें कि आज कुछ बढ़िया खाने का मन कर रहा है, कुछ बढ़िया सुंदर सा बना दो। तो पत्नी कहेगी पंडित जी आप ही बताइए क्या खाएंगे, आपके मन की हम करेंगे, आप बताइए क्या खाएंगे। तो पंडित जी बोले कि चलो भाई ऐसा करो बढ़िया आलू की सब्जी बना दो, पूरी बना दो। तो धर्मपत्नी ने कहा अरे पंडित जी आलू खा खा के आलू जैसे हो गए हैं, कुछ बढ़िया सा कुछ खाइए। कहा कि चलो सीताफल बना दो। तो पत्नी जी ने मुंह बिचकाया कि नहीं नहीं सीताफल तो हमें अच्छा नहीं लगता, अच्छा तो कुछ और बढ़िया बना दो, भिंडी बना दो। कहा भिंडी हमको देखने में अच्छी नहीं लगती। आज पंडित जी ने सारी सब्जियों के नाम ले लिए, लेकिन पत्नी महारानी कहें कि नहीं भैया ये तो हमको पसंद है नहीं नहीं। ब्राह्मण देवता ने कहा अरे भाग्यवान हम तो कहे थे आपसे कि जो आपकी इच्छा हो वही खिला दो। इस प्रकार की धुंधली ब्राह्मण देवता की पत्नी थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देवता जिस बात को कहे पत्नी चाहती थी कि अपनी बात को मैं ऊपर रखूं। तो कहते हैं कि जब ब्राह्मण देवता के पिताजी का श्राद्ध आया, श्राद्ध आया तो श्राद्ध में ब्राह्मण देवता ने कहा कि भाग्यवान पिताजी का श्राद्ध आने वाला है और हमें पिताजी के निमित्त तर्पण इत्यादि करने ब्राह्मणों को बुलाना है। ओ हो हो, पत्नी महारानी भड़क गई। अजी ऐसे थोड़ी होता है, अब जो गए सो गए, उनके निमित्त हमको क्या करना, नहीं हम अपने घर में तर्पण इत्यादि ये सब ढोंग ढकोसला नहीं होने देंगे। ब्राह्मण देवता के हृदय में बड़ी चोट लगी, ये ब्राह्मण पत्नी होकर के इस प्रकार के वचन कह रही है। आजकल नहीं होती है ऐसी कुछ माताएं कि भैया हम तो कुछ नहीं मानते, हैं? आजकल ऐसे ऐसे धर्मगुरु हो गए हैं बहुत से, कहते हैं कि भैया टीका मत लगाओ और मौली मत बांधो। भगवान जाने कौन से शास्त्र को पढ़ करके ऐसी बात कहते हैं। तो ब्राह्मण देवता की पत्नी ने कहा नहीं नहीं हम पिताजी के निमित्त जो है श्राद्ध तर्पण होने नहीं देंगे। अब धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी, पत्नी नगर कह दिया, क्योंकि पत्नी को धर्म पत्नी कहा ही इसलिए जाता है जो धर्म की ओर अपने पति का मार्ग प्रशस्त करे। अब पत्नी की इच्छा ना हो भैया पूरा वो तो होम मिनिस्टर है, घर का डिपार्टमेंट पूरा, तो पत्नी अगर ना करे तो फिर बड़ा कार्य करने में बड़ा मुश्किल हो भैया, भोजन कौन बनावे, बाकी चीजों की व्यवस्था कौन करे। अब तो ब्राह्मण देवता के मन में बड़ा कष्ट हुआ। धीरे धीरे करके समय निकला और ब्राह्मण देवता समझने लगे कि हमारी जो पत्नी है ये चाहती है कि हमारी बात को ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाए। अगले साल का जब पिताजी का श्राद्ध आया तो ब्राह्मण देवता ने कहा अरे भाग्यवान सुनती हो, हाँ बताओ क्या बात है। कहा देखो वैसे तो हमारे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं करेंगे, ये सब क्या करना है। तो पत्नी तुरंत खड़ी हो गई, आपने ऐसा कैसे कह दिया है, पिताजी का श्राद्ध आ रहा है और नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे। तो ब्राह्मण देवता के हृदय में लड्डू फूटा, एक आता ना लड्डू फूटा,
हाँ तो लड्डू फूटा, काकी तो बढ़िया हो गया, आनंद हो गया। अच्छा जी, अजरी भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ कि ब्राह्मण देवता आएंगे ना, एक ब्राह्मण देवता बुलाएंगे, जिमाने की आवश्यकता क्या है, एक पंडित जी आएंगे अपना, उन्हीं को भोजन करवाएंगे, रूखा सूखा काम बन जाएगा। पत्नी ने कहा नहीं नहीं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, कम से कम 11 ब्राह्मणों को जिमाना पड़ता है, कम से कम 11 ब्राह्मण बुलाने पड़ेंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा भाग्यवान, तुम तो भोजन बनाते बनाते थक जाओगे। कहा नहीं नहीं, हम व्यवस्था कर देंगे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है, काम करना, आलू की सब्जी बना देना और थोड़ा पूरी बना देना और कुछ रायता थोड़ा सा बना देना। अरे कैसे बात कर रहे हो, इतने में ब्राह्मण कैसे जीमेगा, हैं? कम से कम 2-3 प्रकार की सब्जी चाहिए, पूरी चाहिए, खीर चाहिए। ब्राह्मण देवता मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि कोई बात नहीं, अपनी बात को ऊपर कर रही है, लेकिन मेरे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। ओहो हो, धीरे धीरे करके समय आया, ब्राह्मण देवता ने अपने पिताजी का, हाँ, तिथि का जो श्राद्ध है वह श्राद्ध संपन्न किया, पिंड इत्यादि बनाए गए, पितरों को जल दिया गया। अब ब्राह्मण देवता ने कहा कि सुनती हो, अब ये जो पिंडदान किया है, हमारे वहां प्रथा है कि इसको हरिद्वार जाकर के गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है और गंगा जी में स्नान करके आया जाए। अब तो पत्नी महारानी फिर भड़क गई कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, काहे हम इतनी दूर हरिद्वार जाएंगे, यहीं आसपास किसी नदी में करवा दीजिए। क्या करते हैं ब्राह्मण देवता, हैं? वही आसपास की जो नदी थी उसी में उस पिंड को बहा दिया गया। मन में बड़ा कष्ट है कि पिताजी का श्राद्ध हमने किया, लेकिन हरिद्वार तीर्थ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्या किया जाए। कुछ दिनों में ऐसा संयोग बना कि पड़ोस के कुछ लोग हरिद्वार तीर्थ में स्नान के लिए जा रहे थे। पंडित जी ने कहा बताओ कैसे लोग हैं, आजकल लोग हरिद्वार में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, बताओ हरिद्वार जाके क्या मिलेगा। पत्नी ने कहा आपको पता नहीं हरिद्वार तीर्थ की महिमा, हैं? हरिद्वार जाकर के स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण देवता ने कहा हम तो नहीं जाएंगे। पत्नी ने कहा जब पड़ोसी जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। ब्राह्मण देवता मनी मन में प्रसन्न हो गए, चलो चला जाए। पत्नी को लेकर के हरिद्वार तीर्थ में पहुंचे। अब तो गंगा जी के तीर पर बैठ करके, किनारे पर बैठ करके स्नान कर रहे हैं, मनी मन में अपने पितरों को प्रणाम कर रहे हैं। हे पितृ देवताओं, जो कुछ भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप अपनी कृपा सदैव हमारे ऊपर बना करके रखिए। मनी मन में हर हर गंगे हर गंगे का ध्यान कर रहे हैं, साथ में पत्नी भी नहा रही है। अचानक पत्नी जी थोड़ा सा आगे को आ गई। ब्राह्मण देवता ने कहा रुक रुक रुक, आगे बहुत गहरा पानी है। पत्नी ने कहा अरे कुछ गहरा नहीं, और पत्नी और आगे कूद गई। लो जी, अब तो गंगा जी में बही जा रही धर्म पत्नी, ब्राह्मण देवता भी किनारे किनारे साथ साथ भागे जा रहे हैं, कोई बचाओ कोई बचाओ, धर्म पत्नी बही जा रही है। सौभाग्य से पीछे से एक लकड़ी का बड़ा लंबा चौड़ा गट्ठा बह करके आ रहा था। ब्राह्मण देवता के मन में संतुष्टि हुई, चलो पीछे से लकड़ी बह करके आ रही है, पकड़ लेगी तो जीवन बच जाएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा भाग्यवान, पीछे से लकड़ी आ रही है, पकड़ ले पकड़ ले। पहले वो पकड़ने जा रही थी, जब सुन लिया ना कि पतिदेव ने कह दिया, तो फिर उसने वो लकड़ी का गट्ठा भी छोड़ दिया और वही गंगा जी में सीताराम हो गया। कह दो सीताराम। इसी को कहा गया श्रीमद् भागवत में सौवाक्य स्थापिका, अपने वाक्य को स्थापित करने वाली, चाहे प्राण चले जाएं लेकिन जो हमने कह दिया वही सही है। ये धुंधली का स्वभाव ऐसा ही है। इनके जीवन में सब कुछ है, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ही दुख है कि घर में कोई संतान नहीं है। अब संतान नहीं है तो ब्राह्मण देवता पहले तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे करके पूरे नगर में ये बात फैल गई। अरे जिन आत्मदेव ब्राह्मण को अपने घर में बुलाते हैं, शुभ अनुष्ठान कर्म करवाते हैं, उनके अपने घर की ही दशा ऐसी है कि उनके कोई संतान नहीं है। बताइए, जरूर कोई इनके जीवन में पाप कर्म रहा है, इसलिए इनके घर में संतान नहीं है। तो लोगों ने बुलाना छोड़ दिया, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। ये आत्मदेव
महाराज के ऊपर न जाने कौन सी ऐसी दृष्टि है कि ना तो इनके कोई संतान है, इनके घर में इन्होंने जिस गाय को पाला है उस गाय की भी कोई संतान नहीं है, घर में जो तुलसी का वृक्ष है वह जब तुलसी लगाते हैं तो तुलसी भी मुरझा जाती है, हैं? तो धीरे धीरे करके ये आत्मदेव ब्राह्मण अपने जीवन में इतने हताश हो गए, इतने निराश हो गए, अब तो जीवन में मन में विचार किया कि इस शरीर को त्याग देता हूं। एक बार कहीं बाहर गए और जब लोगों के ताने सुने, लोगों की बातों को सुना, अब तो इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ, रोते 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 आज जंगल में आ गए हैं, जंगल में बैठ गए हैं, विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से अपने जीवन को मैं नष्ट कर दूं, रो रहे हैं। कहते कि उसी समय पर एक सन्यासी को, एक संत को आते हुए देखा, जब संत को आते हुए देखा और संत महाराज सामने से जा रहे थे, देखा कि ब्राह्मण देवता रो रहे हैं और रोते हुए देखा तो रुक गए अपने स्थान पर। अरे ब्राह्मण देवता, क्या बात हो गई, आप इस प्रकार से जंगल में रो रहे हैं, हैं? क्या बात हो गई मुझे बताइए। आपके जीवन में जो भी कष्ट है मुझे बताइए। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज आपके दर्शन मुझे हो गए, मेरे पर भगवत कृपा हो गई, मेरे जीवन का एकमात्र दुख है कि मेरे कोई संतान नहीं है। संत महात्मा ने कहा, रे ब्राह्मण देवता, हमें तो ऐसा लगा आप जंगल में आए हो और इसलिए रो रहे हो कि आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है। अरे अगर आप भगवत प्राप्ति की कांक्षा मन में रखते तो हम संदेह आपको ऐसा मार्ग बताते, आप तो इस संसार के लिए रो रहे हैं, संतान नहीं है, धन नहीं है, ये तो सामान्य पुरुष, सामान्य व्यक्ति इस बारे में रोता है, आप इतने विद्वान हो करके पुत्र की कामना में रो रहे हैं, ये तो सही नहीं है। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे महाराज आप, हम आपको क्या बताएं, हैं? आप तो सन्यासी हो, आपने तो अपने जीवन में कभी विवाह करा नहीं, तो आपको क्या पता कि पुत्र का सुख क्या होता है। जब घर में बच्चा पैदा होता है, जब छोटा बच्चा किलकारी मारता है, उस बालक का सुख क्या है ये आप क्या जाने, वो तो वही जान सकता है जिसके घर में संतान की उत्पत्ति हुई हो। संत महात्मा ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप इस संसार में अगर भगवान के लिए रोते ना तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, आप तो पुत्र की कामना में रो रहे हो। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज संसार में कहा गया, शास्त्रों में कहा गया कि अपुत्रम गतिर नास्ति, जिसके संतान नहीं है उसकी गति संभव नहीं है, उसका उद्धार संभव नहीं है, पुंग नामक नरक से जो तारण करता है वही पुत्र है। संत महात्मा ने कहा, बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्या जिनके संतान हुई, जिनके पुत्र होते हैं, क्या सब मुक्त हो जाते हैं, हैं? महाराज सगर के तो 60,000 पुत्र थे, हैं? तो उनको पुत्रों का क्या सुख प्राप्त हुआ, महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए, स्वयं भगवान पुत्र बन करके आए, लेकिन उन पुत्रों के मोह में महाराज दशरथ के प्राण चले गए, महाराज उग्रसेन का पुत्र हुआ कंस, बताओ उस पुत्र ने पिता को क्या सुख प्रदान किया, हैं? इसलिए बेटा, हे ब्राह्मण देवता, जरूरी नहीं है कि अगर जीवन में हमारे पुत्र हो तो पुत्र से हमको सुख की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं महाराज ऐसे नहीं, हमको तो पुत्र चाहिए ही चाहिए। ब्राह्मण देवता ने, संत जी ने जब देखा इनके ललाट पर, तो ललाट पर देखा तो पता चला कि 7 जन्मों तक इनके संतान नहीं होगी। कह दिया, ब्राह्मण देवता इस जन्म में छोड़ो, सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्मों तक तुम्हारे जीवन में कोई संतान नहीं होगी। अब तो ये ब्राह्मण देवता रोने लगे कि हे महात्मा जी, आपने तो मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया है, अब तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, अब तो मैं यहीं आपके चरणों में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ओहो, महात्मा जी ने कहा कि भैया ये तो अब
ब्रह्म हत्या का पाप जो है हमारे माथे ही पड़ेगा। काकी चिंता मत करो, चलो अपनी झोली से एक फल निकाला और फल ब्राह्मण देवता को दिया कि लो इस फल को ग्रहण करो और इस फल को अपनी पत्नी से कहना कि इस फल को खावे और एक वर्ष तक बहुत नियम धर्म में रहना है, हैं? एक समय का भोजन करना है, भगवान नाम का संकीर्तन करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, बहुत नियम धर्म के साथ में रहना है, तो निश्चय ही तुम्हें बहुत श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर के उस फल को धारण करके लेकर के आज जब अपने घर पर पहुंचे, अपनी पत्नी को आवाज दी धुंधली। धुंधली ने कहा, महाराज बताइए क्या बात है, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कहा कि हम वन में गए थे, एक महात्मा जी के द्वारा ये फल दिया गया है और यदि तुम इस फल को ग्रहण कर लो और नियम धर्म के साथ में तुम एक वर्ष व्यतीत करो तो निश्चय ही हमको श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देवता से उस फल को ले लिया धुंधली ने। कहा, महाराज मैं इस फल को ग्रहण कर लूंगी। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हैं, मनी मन में विचार कर रहे हैं कि जो लोग आज तक हमें ताने मार रहे थे, जब हमारे घर में श्रेष्ठ संतति की उत्पत्ति होगी तो इन सब के मुंह पर ताले लग जाएंगे। बड़े प्रसन्न हैं। इधर धुंधली मन में विचार कर रही है कि इस फल को खाया जाए या ना खाया जाए। अरे ये तो चलते फिरते साधु महात्मा ने कोई फल दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इससे हमको संपत्ति प्राप्त हो ही जाएगी। देखिए माताओं, इस संसार में कहा गया विश्वासो फलदायका। क्या कहा गया? विश्वासो फलदायका। अगर आपका विश्वास है तो वही फल को देने वाला है। अरे उसी विश्वास के कारण हम शिवलिंग में दूध को चढ़ा रहे हैं, जल को चढ़ा रहे हैं। और जिसे विश्वास नहीं है उसे लगता है कि भैया ये काहे पत्थर पे जो है दूध दही चढ़ा रहे हैं, ये मात्र विश्वास ही तो है। और जहां पर विश्वास ना हो वहां पर बड़े से बड़ा किया हुआ कर्म भी निष्फल हो जाता है, उस कर्म का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आप यज्ञ कर लीजिए, हैं? लाखों करोड़ों रुपया उसमें लगा दीजिए, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपका वह जो कर्म है वह निष्फल हो जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। अब तो यह जो धुंधली है इसके मन में विश्वास नहीं है, क्या करूं क्या करूं। पड़ोसी आई, कहा, बहन क्या बात है, क्या सोच रही हो? कहा, पंडित जी एक फल लाए हैं, कह रहे हैं कि इसको खा लेने से क्या होगा, संतति की प्राप्ति हो जाएगी। बहन क्या सही में ऐसा होगा? तो पड़ोसी ने कहा कि संत महात्मा का दिया हुआ यह प्रसाद निश्चित ही अपना असर दिखाएगा, चिंता मत करो, तुम्हें संतति की प्राप्ति होगी और बड़े नियम धर्म के साथ में रहना पड़ेगा। अब तो कहने लगी धुंधली, अरे बहन जब पेट में गर्भ आ जाता होगा तब तो पेट में बड़ा कष्ट होता होगा ना? कहा, नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, हैं? संसार में प्रत्येक जो कन्या है उसके लिए सबसे बड़ा अवसर यह है कि वह जब माता बनती है, संतान को जन्म देती है, इससे बढ़कर के सौभाग्य भला एक स्त्री के लिए क्या हो सकता है, हैं? कह रही है कि बहन क्या बताएं, अगर मैं गर्भवती हो गई तो मेरी सुंदरता थोड़ा कम हो जाएगी। अब बताइए क्या 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 बातें इस धुंधली के मन में चल रही हैं? अरे मेरी सुंदरता कम हो जाएगी, जब पेट में एक संतान हो जाएगी तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, हैं? अनेक प्रकार के विचार इसके मन में उठ रहे हैं। अरे अगर कभी गांव में आग लग गई सब लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन मैं दौड़ूंगी कैसे, हैं? कभी भूकंप आ जाए, आग लग जावे, अनेक प्रकार के कुतर्क अपनी पड़ोसी से करने लगी धुंधली। तो पड़ोसी ने कहा, तू जाए, तेरे मन में जो है, तेरे को जो करना है वो कर। जो पड़ोसी ने वो चली गई, ये फल अभी भी रखा वही रखा हुआ है उसके पास। सायंकाल में जब पतिदेव आए, कहा, धुंधली फल खा लिया क्या? धुंधली ने कहा, हमने फल को ग्रहण कर लिया है महाराज, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, लेकिन वो फल रखा हुआ है। कुछ दिनों में इस धुंधली की बहन आई, और जब बहन आई तो धुंधली की बहन भी धुंधली होगी, हैं?
तो अपनी बहन से भी वही बातें कही कि बहना बताओ पंडित जी फल लेकर के आए हैं, क्या फल से हमारी संतति होगी? हैं? बहन ने कहा बताइए पंडित जी भी इन पे कोई दिमाग नहीं है वैसे, हैं? बताओ अगर फल खाने से संतान हो जाए फिर तो दुनिया में हर कोई फल ही खा रहा है, फल खाने से संतान होती है क्या? हैं? बहन तुम चिंता मत करो, मेरी बहुत सारी संतान है, मेरे बहुत पुत्र हैं, मेरे एक मेरा लाला होने वाला भी है, हैं? तो मेरे पास संतान बहुत है लेकिन मेरे घर में धन का अभाव है, तुम्हारे पास धन बहुत है लेकिन तुम्हारे पास संतान का अभाव है, तो अब की बार मेरी जो संतान होगी वह संतति मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी और तुम उसके बदले में मुझे क्या करना, मुझे धन दे देना। तो धुंधली और धुंधली की बहन ने आपस में क्या कर ली, बातचीत कर ली। बेचारे पंडित जी मन ही मन में प्रसन्न हो रहे कि अब हमारे संतान होगी होगी। तो धुंधली ने अपनी बहन से कहा कि बहन बताओ ये फल भी तो रखा है, फल का क्या किया जाए? धुंधली की बहन ने कहा कि ऐसा करो गाय को खिला दो, हैं? देखते हैं गाय के होती कि नहीं होती है। तो वह फल किसको खिला दिया? गाय को खिला दिया है। अब तो धीरे धीरे करके समय व्यतीत होने लगा और धुंधली जो है अपने पति को क्या कर रही है, भ्रम में डाला हुआ है, अपने पेट पर अनेक प्रकार के कपड़ों को लपेटने लगी, कहने लगे कि पतिदेव तो संतान गर्भ में आ गई है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बढ़ता गया पेट पर कपड़े बढ़ते चले गए। अब तो ब्राह्मण देवता देखते हैं कि पत्नी का शरीर बड़ा भारी हो गया है, अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ, तुम कहाँ काम करोगी? तो पत्नी को आराम से पलंग पर बैठा करके ब्राह्मण देवता बाहर पूजन करने भी जाते हैं, फिर घर में आकर के भोजन भी बनाते हैं, हैं? जो है प्लेट लेकर के जो है ब्राह्मणी के पास जाते हैं। और वो धुंधली ऐसी पापिनी है कि वो अपनी प्लेट भी नहीं धोती है, वो भी पंडित जी ले जाते हैं, हैं? और पंडित जी लेकिन मन में बड़े प्रसन्न हैं कि अब तो संतान होगी कोई बात नहीं। जैसे जैसे समय आया ठीक 9 महीने बाद धुंधली की जो बहन है उसका पति बालक को लेकर के आया, क्योंकि जब धुंधली की बहन का गर्भ हुआ तो बालक उत्पन्न हुआ, उसी बालक को लेकर के जो धुंधली की बहन का पति था वह लेकर के आया और धुंधली के पास उसको दे दिया। अब तो धुंधली ने अपने पेट के सारे कपड़े निकाल दिए, हैं? और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी बधाई हो लड़का हुआ है लड़का हुआ है। अब तो ब्राह्मण देवता आए हैं भागे भागे, जब जब सामने अपनी संतान को देखा बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे घर में बालक हुआ है। कहते हैं कि ब्राह्मण देवता ने आत्मदेव जी ने बहुत सुंदर उत्सव मनाया है अपने पुत्र के जन्म का, वो इस सारे पाप से अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता नहीं है कि मेरे पीठ पीछे क्या पाप हुआ है। उस बालक के जन्म पर बड़े प्रसन्न हुए हैं, खूब धूमधाम से उस उत्सव को मनाया गया है। अब जो ही नामकरण का समय आया तो ब्राह्मण देवता ने कहा मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम क्या होना चाहिए? परमात्मा देव। क्योंकि पुराने समय से ही एक परंपरा रही है कि पिता का नाम पुत्र के साथ में जोड़ा जाए, ऐसा बहुत समय तक चला आया है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम के आगे या पीछे वो अपने पिता का नाम लगाते हैं, दादाजी का नाम लगाते हैं। तो आत्मदेव जी ने मन में कहा कि भैया हमारे पिता हमारे पुत्र का नाम क्या होना चाहिए? परमात्मा देव होना चाहिए, कितना सुंदर नाम है। धुंधली सम्मुख में आ गई, धुंधली ने कहा अच्छा 9 महीने तक गर्भ में हम पाले बालक को और नाम आप अपना दोगे उसे? नहीं नहीं, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम मेरे नाम पर ही होगा, मैं धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। क्या नाम होगा? धुंधकारी। धुंध का मतलब समझते हैं आप? अभी ये ठंड आ रही है तो आपको पता चलेगा धुंध क्या होती है। खूब गाड़ियां आपस में टकराती हैं, धुंध का मतलब है जहां कुछ दिखाई ना दे, हैं? कुछ भी सोचने समझने की शक्ति जहां ना हो सब कुछ धुंधला धुंधला हो, ऐसा ये धुंधकारी है बालक।
इधर ठीक कुछ समय बाद गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। और कितनी विलक्षण यह बात है कि गाय के उसके जो कान हैं वो गाय के समान हैं और बाकी पूरा शरीर उसका कैसा है, मनुष्य स्वरूप में है। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, जहां इस घर में एक भी संतान नहीं थी आज दो दो पुत्रों की किलकारियां घर में गूंज रही हैं। तो इस बालक के कान गाय के इसके जो कान हैं गाय के समान हैं, इसलिए इस बालक का नाम रखा गया गौकर्ण। और धीरे धीरे करके ये दोनों बालक आज अपने पिता के घर में धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं। तो जैसे जैसे करके बड़े होते जा रहे हैं तो दोनों का जो स्वभाव है एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। कहा गया कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी जो हैं वो बचपन से ही हैं वेद पढ़ने के लिए आश्रम में जाते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, हैं परम विद्वान हो रहे हैं। और यह जो धुंधकारी है ये जब अपने स्कूल में जाता है हैं तो छोटे छोटे बच्चों को मारता है, पीटता है, बच्चों के पांव में पत्थर बांध करके कुएं में फेंक देता है। जिस जिस स्थान पर यह धुंधकारी जाता है वहां हाहाकार मच जाता है। धीरे 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 करके ये युवा अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं दोनों बालक। इधर जो धुंधकारी है ये दुराचारी हो गया, चोर हो गया, हैं? घर से चोरी करता है, धन को चुराता है, वैश्यावृत्ति करता है, हैं? आज आत्मदेव जी ने अपने जीवन काल में जितना धन कमाया था वो सारा धन धीरे धीरे करके जुए में समाप्त कर दिया धुंधकारी ने। इसलिए कहा गया कि अगर आपने अपने जीवन में धन चाहे आप जितना भी जोड़ लें, लेकिन अगर आपकी संतति अच्छी नहीं है, संतान अच्छी नहीं है ना, तो आपने जो जीवन भर जो धन कमाया है उसको गंवाने में आपकी संतान एक सेकंड नहीं लगाएगी। हैं? अगर आपको कहा जाए कि भैया 1 करोड़ रुपया संचय करना है तो हो सकता है कि आपको कई साल लग जाएं, कई महीने लग जाएं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 1 करोड़ रुपया उड़ाना है तो आप अभी 1 मिनट में उड़ा दोगे, पता नहीं चलेगा पैसा कहाँ गया। तो यही जो धुंधकारी है, धीरे धीरे पिता का जो धन संचय था सब नष्ट हो गया। अब तो घर से चोरी करते 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 अब धीरे धीरे करके घर के जो बर्तन भांडे थे वो भी धुंधकारी ने बेच दिए। अब जब घर में कुछ ना मिले तो पिताजी के पास आ गया, पिताजी लाओ मुझे पैसा दो। हैं? आज के समय में भी करते हैं ना कुछ लोग, कुछ बच्चे करते हैं, लाओ पिताजी हमको पैसा दो। हैं? पिता ने आपको जीवन दे दिया, आपको पढ़ाया लिखाया, युवा अवस्था तक आपको पहुंचाया। अगर इसके बाद भी अगर आप अपना जीवन यापन करने में सक्षम नहीं हो तो उसमें तुम्हारे पिता का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। ये जो धुंधकारी है पिता को मारने लगा, ताड़ना करने वाला। आज जब पिता को मारने के लिए हाथ उठा दिया धुंधकारी ने, अब तो आत्मदेव जी बहुत रो रहे हैं। एक दिन वह था जब संतान की प्राप्ति के लिए रो रहे थे, जंगल में आत्महत्या का विचार कर रहे थे। और एक आज का दिन है, घर में संतान है लेकिन संतान के कारण रोना पड़ रहा है। कलयुग में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने माता पिता की बड़ी दुर्दशा कर देते हैं बुढ़ापे में। पिता ने योग्य बनाते हैं संतान को, लेकिन वही बच्चे पढ़ लिख करके ये जो समस्या है ना, ये सामान्य मध्यम वर्गीय लोगों में नहीं, ये जिनका स्टेटस थोड़ा ऊंचा हो जाता है ना, जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं उनके जीवन में ये चीज प्रायः है। जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होते हैं, आपने देखा होगा बाहर विदेशों में तो ऐसा ही है, 17-18 साल का बच्चा हुआ तो उसको अलग कमरा दे दिया। हैं? माता पिता जब बच्चे से मिलना हो तो दरवाजा खटखटा के जाते हैं कि बेटा अंदर आ जाए। हमारे हिंदुस्तान में नहीं है अभी ऐसा, यहाँ तो बेधड़क धड़क, वहां तो 17-18 साल के बाद बच्चे को भेज देते हैं, भैया जाओ जॉब करो, बच्चा अलग कहीं रह रहा है, माँ बाप बुढ़ापे में अलग रह रहे हैं, ये वहां की सभ्यता है। तो इस प्रकार से अपने माता पिता का कभी अनादर नहीं करना चाहिए।
हैं, जिस प्रकार से आज धुंधकारी अपने पिता को मार रहा है, पिताजी रो रहे हैं, भगवान ने हमको माता पिता दिए क्यों दिए? ये माता पिता की कृपा जिसके ऊपर होती है ना, छत्रछाया जिसके ऊपर होती है वो वही जानता है। जब हमारे जीवन में माता पिता होते हैं हम उनकी कदर कभी नहीं करते, क्योंकि जो चीज हमें सहज ही प्राप्त हो जाती है। एक बात का ध्यान रखिए आप कि जब तक आपके ऊपर माता पिता की छत्र छाया है ना, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर भगवत कृपा है। बहुत से लोग ऐसे हैं बाल्यकाल में जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, उनसे जाकर के जरा पूछिए कि माता पिता का ना होना ये कितना बड़ा दुख है जीवन में। और जिनके पास है वो माता पिता की कदर नहीं करते हैं। जो चीज सहज तरीके से हमको प्राप्त हो जाती है हमारे जीवन में, उसकी उसकी कोई पूछ नहीं होती। अरे पता तब चलता है जब हमारे ऊपर से माँ बाप का साया उठ जाता है, तब हम मन में विचार करते हैं कि बस एक बार अगर अपने माता पिता की आवाज सुनने के लिए मिल जाती है, बस एक बार उनकी आवाज को सुन लें, उनकी डांट को सुन लें। लेकिन एक बार जो संसार से गया वापस नहीं आता, इसलिए माँ बाप की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। किसी लेखक ने बड़ा सुंदर लिखा है कि संसार में माँ बाप से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दिन रात तुझे तेरी माने, बाहों में तुझे झुलाया, दिन रात तुझे तेरी माने, बाहों में तुझे झुलाया, दिन रात तुझे तेरी माने, बाहों में तुझे झुलाया, तुझे तेरी माने, बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे पर तुझे सुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया, तू कोई
ना माँ को कभी रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे खुद उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, से बढ़कर जग में नहीं दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका बोलिए अपने अपने माता पिता की बोले पितृ देवताओं की। तो अपने जीवन में आप सब कुछ करिए लेकिन अपने पितरों को कभी कष्ट मत दीजिए। अरे अगर आपने अपने माता पिता के अपने दादा दादी के नाना नानी के जीते जी उनकी सेवा कर ली तो फिर उनके मरने के बाद गया तीर्थ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जीते जी ही अपने पितरों को तृप्त कर लिया जाए। बुढ़ापे में जब मनुष्य का शरीर काम करना बंद कर देता है तो सबकी यही अपेक्षा रहती है कि हमारी संतान हमारी सेवा करे। जिस संतान के पीछे हमने अपने अपना पूरा जीवन लगा दिया ये संतान बुढ़ापे में हमारी सेवा करे। तो अगर जीते जी अगर आपने अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव रख लिया तो श्राद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीते जी पितरों को तृप्त कर दिया और जीते जी ही होनी चाहिए सेवा। मृत्यु के बाद तो पितर न जाने किस अवस्था में हैं, कहां भ्रमण कर रहे हैं। तो अगर जीते जी माँ बाप की सेवा कर सको तो सबसे उत्तम बात है। श्री आत्मदेव जी आज रो रहे हैं, गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी रो रहे हैं, पिताजी के पास आए। अरे पिताजी क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो? आत्मदेव को समझाते हुए गोकर्ण जी कह रहे हैं कि पिताजी आप इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आपने अपने मन में पुत्र अपनी संतान के लिए आपके मन में जो ये माया का भाव है, हैं पिताजी इस संसार में जो पैदा हुआ है उसने एक दिन जाना है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधे जंजीर, एक दिन पिताजी सबको चला जाना है, हैं? और इस संसार ये जो शरीर है ना सब जो गुणधर्म है जो रिश्ते हैं सब शरीर के द्वारा, ये जो मिट्टी का शरीर है ना पांच भौतिक शरीर इसी के द्वारा सारे संबंध स्थापित हैं। जिस दिन ये मिट्टी का शरीर चला जाएगा जिस दिन आत्मा चली जाएगी उस दिन तो यह शरीर भूमि पर पड़ा होगा, जला दिया जाएगा दफना दिया जाएगा। तो देहेस्त मांस रुधिरे भीमति त्यजत्वम, यह जो शरीर है वो क्या है? ये देह अस्थि मांस मज्जा इसका बनाया हुआ ये शरीर है। इस शरीर की पुष्टि कैसे होती है? कहा गया कि अन्न को खा करके हम क्या करते हैं शरीर का पोषण करते हैं। अन्न खाते कि नहीं खाते? अब आजकल तो लोग जो है आजकल क्या कुछ ज्यादातर लोग तो मांस का भक्षण कर रहे हैं। मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए।
माता होता गोकर्ण जी समझा रहे हैं पिताजी, ये जो पांच भौतिक शरीर है इस शरीर का पोषण हम किससे करते हैं? अन्न के द्वारा करते हैं। वह अन्न जो हम प्रातः काल अगर बना करके रख दें और अगले दिन तक उस अन्न में क्या आ जाती है? बदबू आ जाती है, सड़ जाता है। तो ऐसा अन्न जो एक दिन के बाद ही जो बदबू मारने लगता है, ऐसे अन्न के द्वारा हम अपने शरीर का पोषण करते हैं। तो ये शरीर अनश्वर कैसे हो सकता है? इसलिए यह शरीर क्या है? नश्वर है। इस शरीर से ऐसा मोह क्या? पिताजी आप अब वानप्रस्थ की आपकी अवस्था हो चुकी है, आप जंगल में जाकर के, वन में जाकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करिए। तो कहते हैं कि आत्मदेव जी को वहां पर पुत्र के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई, वन को चले गए और श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पाठ करते करते अपने जीवन को व्यतीत करा है और परम धाम को प्राप्त हो गए हैं। अब तो पिताजी चले गए तो धुंधकारी ने माता को पकड़ा, धुंधली को, कहा कि पिताजी तो चले गए, सारी प्रॉपर्टी तेरे को बता के गए होंगे कि कहां धन है, ला मुझे धन दे। अब तो मां को लकड़ी से मारने लगा तो धुंधली के मन में इतना भय व्याप्त हो गया कि पुत्र रोज मारता है। एक दिन ये धुंधली को इतना दुख हुआ कि घर के पास में कुआं था, उसी कुएं में कूद के इसने अपने प्राण त्याग दिए। अब तो घर में दोनों भाई बचे हैं, धुंधकारी और गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी चले गए, माता जी चली गई, अब हमारी बारी है। तो एक दिन जो है हाथ जोड़ करके धुंधकारी के पास आए, भैया मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं समस्त तीर्थों की यात्रा करूँ। धुंधकारी ने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है, भैया आप जाइए। तो गोकर्ण जी ने अपना झोला उठाया और तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े। अब तो धुंधकारी को रोकने वाला कोई नहीं, घर में पांच वैश्याओं को घर में ले आया है, जगह जगह चोरी करता है, लूटमार करता है। एक दिन की बात है कि राजा की वहां चोरी कर ली, बहुत सा धन चुरा करके ले आया। घर में जो पांच वैश्याएं हैं, इन्होंने देखा कि अरे राजा के द्वार पर राजा की वहां चोरी करी है। और कुछ समय पश्चात ढूंढते ढूंढते राजा के सिपाही जब यहाँ आएंगे तो धुंधकारी को तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमको भी देखो अपने प्राणों का संकट हर किसी को होता है। तो वैश्याओं ने मन में विचार किया धन तो आ ही गया है, अब धीरे धीरे जो है धुंधकारी का भी नाम नाम सत्य कर दिया जाए, धन तो है ही, क्या दिक्कत है। तो एक रात की बात है, धुंधकारी जब घर पर आया तो क्या किया, मदिरा का पान कराया धुंधकारी को, खूब मदिरा पिलाई। और जब धुंधकारी को खूब मदिरा पिला दी, अब तो मदिरा पी करके धुंधकारी लेट गया और पांच वैश्याएं हैं, दो वैश्याओं ने हाथ पकड़े और दो वैश्याओं ने पांव पकड़े और एक ने क्या पकड़ा, गला पकड़ा। अब तो गला दबा रहे हैं धुंधकारी का, मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जो पापी होता है उसकी मृत्यु होती नहीं बहुत जल्दी। बहुत मारने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन धुंधकारी मरता नहीं है, क्योंकि पापी के प्राण इतने आसानी से निकलते नहीं है माताओं। अब तो वैश्याओं ने विचार किया कि क्या किया जाए, पास में ही कोयले जल रहे थे, कोयले हैं। तो एक बर्तन में कोयले लेकर के आए, धुंधकारी का मुंह खोला और मुंह के अंदर जलते हुए अंगारे भर दिए। तो बहुत तड़प तड़प करके धुंधकारी की मृत्यु हुई। अब तो मृत्यु के पश्चात धुंधकारी भयंकर प्रेत बन गया। वैश्याओं ने धन उठाया, धन उठा करके चली गई। वैश्याएं किसकी सगी हैं? इधर धुंधकारी प्रेत बन करके तड़प रहा है। गोकर्ण जी तीर्थाटन करके जब अपने गांव में वापस आए हैं और तीर्थाटन के समय ही उन्हें पता चल गया कि हमारे भाई धुंधकारी नहीं रहे, तो कहते हैं कि गया जी में आकर के उन्होंने अपने भाई के निमित्त श्राद्ध तर्पण किया है। जब अपने गांव में वापस पहुंचे, घर में विश्राम कर रहे हैं तो अर्धरात्रि में बड़ी भयंकर आवाजें होने लगी। गोकर्ण जी अपने स्थान पर उठे तो देखते हैं कि कभी वह अग्नि के स्वरूप में है, कभी वह भेड़ बन जाए, कभी वह भैंसा बन जाए, भयंकर रूप धारण कर रहा है। गोकर्ण जी ने कहा कि कौन हो, बताओ कौन हो, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा। अब तो गोकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लिया और जल को अभिमंत्रित करके जब उस
प्रेत के ऊपर फेंका। अब तो ये प्रेत जो है हाथ जोड़ करके रो रहा है, विलाप कर रहा है। गोकर्ण जी ने कहा बताओ कौन हो, तो प्रेत कहता है कि अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। प्रेत ने कहा अहम भ्राता तो दियोस्मि, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, अपने कर्मों के द्वारा मैं भयंकर प्रेत के रूप में परिवर्तित हो गया हूँ, भैया मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा भैया मैंने तो आपके निमित्त गया जी में श्राद्ध भी किया है, तो आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई। अब यहाँ पर विचार ये आता है कि क्या गया जी की महिमा में किसी प्रकार की कोई कमी है क्या कि धुंधकारी की मुक्ति नहीं हो पाई, जबकि उसका श्राद्ध तर्पण इत्यादि हुआ है। तो कहा गया कि जब हम पूजन करते हैं तो संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेते हैं। अरे हाँ ना तो बोलिए, करते हैं ना। हाँ तो जब संकल्प लेते हैं तो आपसे आपका गोत्र बुलवाया जाता है, नाम बुलवाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब धुंधकारी के नाम का श्राद्ध तर्पण हो रहा है तो कोई नहीं जानता कि धुंधकारी जो है वो कहाँ का है। वो तो बहन का बेटा है, मौसी का बेटा है, तो वो क्या उसका तो गोत्र बदल जाएगा भैया, जहाँ के मौसा जी का जो गोत्र होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए जब गोत्र का शुद्धोच्चारण हो रहा है तो भला धुंधकारी को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। अब तो धुंधकारी रो रहा है कि भैया मेरी मुक्ति का कुछ उपाय करिए। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, प्रातः काल होने दो, कुछ उपाय करते हैं। प्रातःकालीन संध्या करके गोकर्ण जी महाराज आज जब भगवान सूर्य को जल दे रहे हैं, जल दे करके सूर्य भगवान को स्तंभित कर दिया, रोक दिया कि हे सूर्यदेव मेरे भाई की मुक्ति के लिए आप मुझे कुछ उपाय बताइए। तो सूर्यदेव भगवान ने कहा कि श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करु। गोकर्ण जी आप अपने भाई की मुक्ति के लिए क्या करिए, श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ को आरंभ करिए। अब तो धीरे धीरे करके कथा की तैयारी होने लगी। सुंदर मंडप बनाया गया, समस्त लोगों को निमंत्रण भेजा गया कि भगवान की परम मंगलमयी कथा हो रही है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं भगवान की कथा का श्रवण करने। धुंधकारी ने कहा कि भैया पंडाल में हमको कहाँ जगह मिलेगी, है क्योंकि धुंधकारी वायु स्वरूप है, भैया प्रेत है कोई शरीर तो है नहीं, है कहीं एक जगह पर खड़ा हो, इधर की हवा बहे तो इधर को उड़ जाओ, इधर की हवा बहे तो इधर को उड़ जाओ। तो पास में एक सप्त ग्रंथि का एक बांस था, बांस में होते हैं ना गांठें होती हैं, तो सात गांठों वाला एक बांस का खंबा था, उसी में यह धुंधकारी प्रविष्ट हो गया, उसी में बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करने लगा। तो सप्त दिवस पर्यंत तक गोकर्ण जी ने भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करा। तो कहते हैं कि धुंधकारी जो जो कथा का श्रवण करता, एक दिन की कथा पूर्ण हुई तो उस जो जो बांस का जो डंडा है उसकी एक ग्रंथि फूट गई, और जैसे जैसे करके दिन होते चले जा रहे हैं, सात दिवसों में जो बांस है इसकी सातों ग्रंथियां फट गई और देवत्व रूप धारण करके, देवताओं सा रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, देव रूप धारण करके यह धुंधकारी प्रकट हो गया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यह श्रीमद् भागवत धन्य है जो प्रेत पीड़ा से भी उद्धार कर देती है। अब तो बैकुंठ धाम से एक विमान आया है इस धुंधकारी को ले जाने के लिए। गोकर्ण जी ने कहा भैया इतने सारे श्रोता हैं, अत्रैव वह सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः, इतने सारे श्रोताओं ने कथा सुनी लेकिन विमान मात्र एक ही आया। तो कहा कि देखो श्रोता कई प्रकार के होते हैं, एक होते हैं श्रोता जो कथा का श्रवण करते हैं, फिर उस कथा का चिंतन करते हैं रात्रि काल में, है उस कथा पर अमल करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं। एक होते हैं श्रोता, वो क्या करते हैं, वो कथा में आकर के अपनी पीठ टिकाते हैं बढ़िया से,
और जो है एक या दो नींद अपनी पूरी कर लेते हैं, जब अंत में जयकारा हो तो तब उनकी नींद खुलती है। चलो तो ऐसा है कि कथा में नींद भी आ जावे उसका अपना बड़ा प्रभाव है। कुछ लोग होते हैं जिनको घर में नींद नहीं आती कि भैया अभी नाती पोते सोने नहीं दे रहे, अभी बच्चे नहीं सोने दे रहे, यहाँ वहां भगाते हैं, कथा में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, अपनी पीठ टिकाई और सो गए। लेकिन ये भगवान के नाम की महिमा है माता कि भाव कुभाव अनखियालस हूं और नाम जपत मंगल दिसी दस हूं। भगवान का नाम आप चाहे भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, आलस्य में लीजिए, जैसे भी लीजिए, भगवान का नाम तो कल्याणकारी है। और तीसरे प्रकार के कहा गया, एक श्रोता, दूसरा सोता और तीसरा सरोता। ये सरोता जो होता है ना, ये कमियां निकालने में एक्सपर्ट होता है। अरे भैया ऐसा है कि साउंड की व्यवस्था थोड़ा सी गड़बड़ हो गई इस बार, है पता नहीं जो है म्यूजिक की आवाज ज्यादा हो गई, ब्याज जी की कम हो गई है इस बार। ब्यास जी जो हैं वो थोड़ा सा पता नहीं, पिछले बार जो आए थे वो ज्यादा अच्छे थे, हैं इस बार थोड़ा छोटे हो गए या बड़े हो गए। पंडाल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, कुर्सियों की व्यवस्था कम हो गई, कुर्सियां ऊंची हो गई हैं। इनको कहा गया सरोता। ये हर बात में जो है अपनी टांग अड़ाते हैं, कुछ न कुछ कमियां निकालते हैं। अरे भगवान की कथा श्रवण करने आए तो भगवान की कथा का श्रवण करो। जो श्रोता है, देखो धुंधकारी ने बांस के अंदर बैठ करके कथा का श्रवण किया, उसका चिंतन किया और सत दिवस पर्यंत उसके लिए बैकुंठ धाम से विमान आया है। तो जब इस प्रकार के वचन कहे और धुंधकारी को लेकर के विमान बैकुंठ को चला गया तो समस्त जो श्रोता थे निराश हो गए। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, आने वाले श्रावण मास में पुनः भगवान की कथा करेंगे और उसमें तो उस समय पर सभी बड़े ध्यान से कथा का श्रवण करना। तो कहते हैं कि पुनः श्रावण मास में जब कथा हुई तो अनेकानेक विमान उस यज्ञ में आए हैं और गोकर्ण जी समस्त श्रोताओं के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। ये श्रीमद् भागवत कथा का क्या है, प्रताप है। यहाँ पर नारद जी ने नियम पूछे हैं कि क्या नियम होने चाहिए, कथा के नियम क्या है। कहा गया कि शुभ मुहूर्त सुधबाई कथा थल सुघर बनावे, कदली बंदन वार पता का ध्वजा लगावे, कार्तिक क्वारी असाढ़ भाद्र अगहन और सावन, कहे मोक्ष प्रदमास पढ़ावे सब ही निमंत्रण। कौन कौन से महीने कथा के लिए पुण्य होते हैं, शुभ मुहूर्त उस समय में करवा करके सभी के पास में मित्रों के पास निमंत्रण दिया जावे। वेद विप्र गुरु गाय नारी निंदा त्याग, इन जब कथा हो रही हो ना तो इन सात दिवसों के भीतर किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हम भगवान की कथा श्रवण करके जाएं फिर अपने कमरे में जा करके एक दूसरे की चुगली करें, निंदा करें, अरे भैया ये तो बड़ा ऐसा, ये तो बड़ा वैसा है, नहीं किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। और धारी सत्य संतोष चित्त प्रभु चरण लागे, अपने चित्त को कहाँ लगाना है, परमात्मा के श्री चरणों में लगाना है। सुंदर पंडाल की व्यवस्था हो, इसमें मंडप उत्तम होना चाहिए, तुलसी की स्थापना होनी चाहिए, भगवान की स्थापना होनी चाहिए, सुंदर वेदियां हो जिनका षोडशोपचार पूजन होना चाहिए, जैसा प्रातःकालीन सत्र में हमारे आचार्य जी के द्वारा भगवान का पूजन कराया जाता है। दृष्टांत सम्मत जो भगवान की कथा है उसका श्रवण करना चाहिए। देखिए भगवान की कथा जो है ये मनोरंजन का विषय नहीं है। अगर हम ये कहें कि भैया मनोरंजन के हेतु कथा सुनी जाए, मनोरंजन के लिए आप अन्य बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा इसलिए श्रवण करी जाए कि हम अपने जीवन को बदल सकें, हमारा जो हृदय है हमारा चित्त परमात्मा के चरणों में लगे। इसलिए अनेक प्रकार के नियम है, भोजन का अपना नियम है, शयन का अपना नियम है। तो संपूर्ण यह जो कथा है इस प्रकार से नारद जी के द्वारा ये जो भक्ति ज्ञान वैराग्य है इनका जो दृष्टांत है सनत कुमारों के द्वारा नारद जी को सुनाया गया है। आइए
प्रथम स्कंद में प्रवेश में जो स्तुति करी गई है, जो मंगलाचरण किया गया है, इसमें भगवान के सत्य स्वरूप का चिंतन करा गया है। जन्माद्यस्य तोन्वयादि तरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय। प्रेम से बोलिए वाके बिहारी लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो जो प्रथम स्कंद में जो मंगलाचरण किया गया है, जन्मादिश्य तोन व्याधि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय इस प्रथम मंगलाचरण में भगवान के सत्य स्वरूप की स्तुति करी गई है। सत्य स्वरूप की स्तुति क्यों करी गई? क्योंकि यह जो श्रीमद् भागवत है न माताओं, ये मात्र भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ नहीं, ये भागवत समस्त सिद्धांतों को मानने वाले, यहां तक कि कोई नास्तिक है, किसी दूसरे धर्म का है, उसके लिए भी यह भागवत धर्म है, क्योंकि इसमें सत्य स्वरूप का। अरे भैया, हर कोई अपने भगवान को सत्य मानता है। जो शिव को मानने वाला है वो शिव को सत्य मानता है, जो भगवती को मानने वाला है वो भगवती को सत्य मानता है, जो राम जी को मानता है वो राम जी को सत्य मानता है, जो कृष्ण को मानता है वो कृष्ण को सत्य मानता है। तो यहाँ पर इसलिए सत्य स्वरूप का चिंतन किया गया कि अगर यहाँ पर कृष्णम परम धीम ही कहा जाता तो जो भगवान शंकर को मानने वाले कहें कि भैया ये तो भगवान कृष्ण के जो अनुयायी हैं उनके लिए है। नहीं नहीं, ये जो ग्रंथ है ये सबके लिए है, सत्यम परम धीम ही, इसलिए यहाँ पर सत्य स्वरूप का चिंतन किया गया है। किस प्रकार से स्तुति करी गई है? कहा गया जन्मादिश्य वह परमपिता परमात्मा जो जो जन्म पालन और संहार को करने वाला है। जन्म आदि को, जन्म से ही जन्म पालन आदि की व्याख्या हो जाती है। जो इस संसार की उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संसार का संहार करता है। अन्वयादि तरतः कहा गया कि उपादान व्यतिरेक। देखिए इस बात को आप इस प्रकार से समझिए कि जैसे एक कुम्हार जब घड़े को बनाता है तो उसको किसकी मिट्टी की आवश्यकता होती है? हैं? तो बनाने वाला कौन है? कुम्हार। लेकिन आवश्यकता किस चीज की है? मिट्टी की। लेकिन आप मकड़ी को देखिए कि मकड़ी जब अपना जाला बनाती है तो उसको किसी प्रकार की वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, उसी के शरीर से वह जो जाला निकलता है उसके शरीर से ही निकलता है, हैं? उसी जाले को वह खा जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान जो हैं इस संसार को जब बनाते हैं तो भगवान को
बाहर से किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वयं भगवान के भीतर से ही यह जो सकल ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति हुई है। भगवान के रूप मात्र में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निवास करते हैं। तो भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं संसार को बनाने के लिए। तो जन्माद्यतोन्व्याधितरतःचार्थेष्विज्ञेश्वराट्, इस संसार को किस प्रकार से बनाना है उसके संपूर्ण जानकार भगवान हैं और स्वराट हैं भगवान। स्वराट कहा गया स्वयं प्रकाशित, या जिसे हम कहते हैं चिद। चिद का मतलब चैतन्यता। भगवान स्वयं चैतन्य हैं। हम क्या हैं? हम भी चैतन्य हैं, चलते फिरते हैं। लेकिन जब ये प्राण निकल जाते हैं तो यह शरीर क्या बन जाता है? मिट्टी बन जाता है। लेकिन भगवान तो स्वयं चैतन्य स्वरूप हैं, स्वयं प्रकाशित हैं। जिस प्रकार से हमको अंधेरे को नष्ट करने के लिए बल्ब जलाना पड़ता है, मोमबत्ती जलानी पड़ती है, लेकिन भगवान सूर्य नारायण जब आते हैं तो किसी मोमबत्ती की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान सूर्य स्वयं प्रकाशित हैं। उसी प्रकार भगवान क्या हैं? स्वयं प्रकाशित हैं। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति सूर्यः, उन्हीं परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा जी के हृदय में वेद को क्षण मात्र में स्थापित कर दिया। जिस वेद को बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धीर पुरुष जान नहीं पाते, तो ब्रह्मा जी को वह वेद प्रदान करे। तेजो वारि मृदा मिथा विनिमयो तत्र सर्गो मिसा, जिस प्रकार से हमको तेज में वारी की और वारी में मृदा की प्रतीति होती है, हैं? हम कहते हैं कि भगवान जो है सगुण है कि निर्गुण है, हैं? आपने कई लोगों को सुना होगा कि अरे भैया भगवान तो निर्गुण निराकार हैं, हैं? हृदय में निवास करते हैं, वो बाहर मूर्ति में कैसे हो सकते हैं? लोग प्रश्न करते हैं, करते कि नहीं करते, है ना? तो कहा गया कि जिस प्रकार से हमको तेज में वारी की भ्रांति होती है। तेज मतलब सूर्य की किरणों में आपने देखा होगा, आप राजस्थान एरिया में चले जाइए तो वहां पर तेज में वारी की, प्रकाश में जल की भ्रांति होती है। लगता है कि भैया कहीं जल पड़ा हुआ है। और जब बरसात हो और बरसात में मिट्टी को बहा करके जब जल ले आए तो कहां पर गड्ढा है वो पता नहीं चलता। जल में मृदा की भ्रांति होती है। उसी प्रकार से जो मनुष्य है उसको भ्रांति होती है कि भैया परमात्मा सगुण है कि निर्गुण है, लेकिन परमपिता परमात्मा तो सगुण भी हैं और निर्गुण निराकार भी हैं। वह निराकार ब्रह्म जब भक्त प्रेम से अपने भगवान को पुकारता है तो वह निर्गुण निराकार सब कुछ छोड़ करके अपने भक्त के सम्मुख सगुण साकार के रूप में प्रकट हो जाता है। वही परमात्मा। आप इस बात को इस प्रकार से समझिए कि कोई बहुत बड़ा कलेक्टर हो और बड़ा कलेक्टर जब अपने स्थान में अपने एरिया में जाता है, सब लोग जो है सलूट करते हैं, अनेक कई सारी गाड़ियों को लेकर के जाता है, हैं? लेकिन जब वही कलेक्टर जब अपने घर पर आता है, घर में 5 वर्ष का छोटा बेटा है, पिताजी पिताजी हमको घोड़े पर चढ़ना है, घोड़े पर चढ़ना है, तो वही कलेक्टर क्या कर जाता, घोड़ा बन जाता है, बेटे को अपने पीठ पर बैठा लेता है, घुमाता है, तो कलेक्टर घोड़ा है क्या? नहीं। लेकिन अपने पुत्र के प्रेम में उस कलेक्टर को घोड़ा बनना पड़ा। तो वही परमपिता परमात्मा हैं। जब भक्त पुकारते हैं तो वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार के रूप में हमारे सम्मुख आ जाता है। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं। द्वितीय जो श्लोक है इसमें निर्मत्सर धर्म की व्याख्या करी गई है कि धर्म प्रोजित कैत वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु विदम तापत्रयोन मूलमन मंगूलनम। यहाँ पर कहा गया कि श्रीमद् भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है। कहा गया कि जिसके मन में मत्सरता नहीं है वह भागवत कथा को सुनने का अधिकारी। मत्सरता आप समझते हैं? काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर कहते हैं ना। लेकिन ये मत्सर क्या है? मत्सरता कहा गया कि जब हम एक दूसरे की उन्नति को देख नहीं सकते, जिसको हम कहते हैं जलन। समझते हैं? आप इसको इस प्रकार समझिए जैसे कि मच्छर। आप चैन से सोए हुए हैं, बड़ी अच्छी नींद में हैं,
तो मच्छर जब देखता है तो उसको हजम नहीं होती, तो तुरंत आके आपके कान में एक गाना गाएगा पहले हैं, और आकर के फिर वो एक हल्की सी सुई लगाएगा आपको, आप नींद से थोड़ा हटेंगे हटेंगे इधर उधर हिलेंगे डुलेंगे, और फिर आपके कान में एक गाना गाएगा और फिर कहीं सुई लगाएगा हैं। तो ये मच्छर और मच्छर दोनों एक ही हैं, ये आपकी उन्नति को देख नहीं सकते, आपको बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। तो निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्स धर्म की व्याख्या करी गई है, जो अपने पड़ोस को देख करके, अपने लोगों को देख करके, दूसरे को देख करके जिसको ईर्ष्या होती है, जलन होती है, ऐसा व्यक्ति कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। एक ऐसा प्रसंग आता है कि कोई बड़ा भारी भक्त था, भगवान शंकर का परम भक्त था, लेकिन उसके मन में अपने पड़ोसियों को लेके ईर्ष्या का भाव था। भगवान शंकर की तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हुए, कहा कि बच्चा बता क्या चाहिए, और भगवान जानते थे किसके मन में ईर्ष्या का भाव है, कहा कि चेला जो कुछ मांगेगा तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा, ध्यान रखना। अब तो कहा कि महाराज सोच समझ के मांगूंगा। भगवान ने भास्तु कहा, घर पर आया तो घर पर विचार किया कि भैया मकान हमारा बड़ा पुराना हो गया, एक सुंदर सी हवेली मांगी जाए भगवान से। भगवान से कहा, प्रभु पहला वरदान, तीन वरदान भगवान ने कहे थे, तो कहा कि भगवान पहला वरदान हमको यह दीजिए कि एक हमारी बड़ी सुंदर सी हवेली हो जाए। अब तो बड़ी भारी हवेली हो गई जी, ओहो, हवेली के एक छोर से दूसरी छोर तक जाए तो आनंद आ जाए। जब जब खिड़की से बाहर झांक करके देखा तो पड़ोसी के पास दो दो हवेली, ओहो हो, जल करके भुन गया बिल्कुल, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है। अब विचार करने लगा कि बताओ मुझे तपस्या करके एक हवेली मिली, मेरे पड़ोसी को दो दो हवेली कैसे मिल गई, किस प्रकार से इसका ये धन धान्य नष्ट हो जाए। कहा प्रभु ऐसा करिए कि मेरी एक आंख फोड़ दीजिए, लो। तो जब अपनी एक आंख फोड़वा ली तो पड़ोसी की दोनों फोड़वा दी है। कहा कि प्रभु आप क्या चाहिए, भगवान ने कहा कि ऐसा करो, हमारा जो गेट है, गेट के बाहर एक बड़ा सा कुआं खुदवा दीजिए। तो विचार ये क्या कि भैया हमारी एक आंख है, हम तो आंख बंद करके बगल से निकल जाएंगे, लेकिन पड़ोसी के द्वार पर दो दो कुएं खुदवा दिए कि इस कुएं में ना गिरे तो दूसरे में तो गिर ही जाए। अब बताइए ऐसी तपस्या का क्या फल मिला है, भगवान को प्रसन्न किया लेकिन ईर्ष्या भाव आपके मन में है, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो इसी के बारे में बताया गया है कि निर्मत्सर धर्म, निर्मत्सरता हमारे मन में होनी चाहिए, किसी के प्रति दुराभाव नहीं होना चाहिए। तो तीसरे श्लोक में बताया गया है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह श्रीमद् भागवत क्या है, निगम कहा गया वेद को, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ यह फल है, सुख मुख, सुख के मुख से इस फल को खाया गया है, चखा गया है, इसलिए यह जो श्रीमद् भागवत रूपी फल है वह अत्यंत मीठा हो गया है। इस फल का पान बारंबार करिए, मुहुर मुहुर बारंबार इस फल का पान करेंगे हैं। और कौन कर सकता है, जो भावुक लोग हैं, जिनके मन में भाव है, जिनके मन में भाव नहीं उनके लिए यह कथा नहीं है, है? तो इस प्रकार से मंगलाचरण करा है भगवान का, सुंदर दिव्य स्तुति करी है। यहाँ पर श्री सौनक जी सूत जी का जो संवाद है उसके बारे में कथा प्रारंभ होती है कि नैम से निम्स क्षेत्र ऋषिया सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासता। मैंने कल भी आपको बताया था कि हजार वर्ष पर्यंत तक चलने वाला एक अनुष्ठान है जो नैमिषारण्य तीर्थ में चला है, जिसमें सूत जी का आगमन हुआ है। जब सूत जी का आगमन हुआ तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, हे गुरुदेव हमारे प्रश्न हैं। क्या प्रश्न है, किम श्रेयः
शास्त्र सारह कह स्वावतार प्रयोजनम किम किम कर्म केवतारश्च और धर्म कम शरणं गतः। ये प्रश्न किए हैं 6 प्रश्न कि किं श्रेयः प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, शास्त्र सारह कह सभी धर्म ग्रंथों का सार क्या है। कोई कहता है शिव पुराण पढ़ो, कोई कहता है भागवत पढ़ो, कोई कहता है भगवद गीता पढ़ो, हैं इन सभी शास्त्रों का सार क्या है हमें बताइए। स्वावतार प्रयोजनम भगवान ने अवतार क्यों लिया, किम कर्म भगवान ने अवतार लेकर के क्या क्या कर्म किए हैं, केवतारश्च कितने भगवान के अवतार हैं, और जब भगवान इस धराधाम से चले गए तो धर्म कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया, हे गुरुदेव आप हमको बताइए। यहाँ पर सूत जी ने सर्वप्रथम गुरु का ध्यान करते हुए मंगलाचरण किया है कि मैं सर्वप्रथम अपने गुरु का वंदन करता हूँ। क्या वंदन किया, यम प्रव्रजंत मनुपे तम पे तकृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रे तन्मय तया तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतो। तो यहाँ पर सुखदेव जी के चरित्र का मैंने आपको कल भी कहा था कि जो सुखदेव जी का जो विस्तृत वर्णन है कि ये दो बार ये श्लोक कहा गया है, हैं? तो बताया गया कि एक बार की बात है, एक बार भगवान भूत भावन भोलेनाथ इनके मन में भगवान की कथा सुनने की इच्छा हुई, क्योंकि भगवान शंकर जैसा कथा का रसिक और कथा का वक्ता संसार में कोई है नहीं, है? तो मन में इच्छा हुई कि भगवान की कथा सुनी जाए। तो शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, कुंभज ऋषि के पास में भगवान गए हैं, लेकिन वहां पर माता पार्वती ने भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया, माता सती ने, क्योंकि सती रूप में वहां पर हैं, तो फलस्वरूप माता सती को अपनी देह का त्याग करना पड़ा था। आप सभी इस कथा से परिचित हैं। तो कहते हैं कि नारद जी के मन में विचार आया, जब बाद में भगवान का शंकर जी का विवाह हो गया पार्वती के साथ में, तो नारद जी के मन में विचार आया कि इस संसार में जितने भी गृहस्थ हैं सबके जीवन में कुछ न कुछ खटपट लगी ही रहती है, और भगवान शंकर के परिवार में तो सदैव आनंद ही आनंद रहता है, हैं? जरा देखा अभी की क्या बात है, भगवान शंकर इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं। नारद जी ने अपनी वीणा उठाई, भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए आज कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण संकीर्तन करते करते आज श्री नारद जी महाराज जब कैलाश पर पहुंचे हैं और भगवान भूत भावन भोलेनाथ भक्तों को दर्शन देने हेतु आज बाहर गए हैं, कैलाश पर माता पार्वती हैं। माता पार्वती ने जब आते हुए नारद जी को देखा, ओहो गुरु जी को देख करके प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी को गुरु के रूप में पूजती हैं माता पार्वती। तो जब नारद जी को देखा, प्रणाम किया, गुरुदेव आपका आगमन हो गया, आपके दर्शन हो गए, हमारा जीवन तो धन्य हो गया। किसी विशेष कारण से आपका आगमन हुआ है गुरुदेव? नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, हम तो टहलते टहलते यूं ही पहुंच गए आपके पास। देवी
हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में प्रसन्न तो हैं ना, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। माता पार्वती ने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। बाबा हमारा बड़ा ध्यान रखते हैं, हैं, हमारे सुख दुख के पूरे सहभागी हैं बाबा। हमारे जीवन में कभी आज तक कोई दुख नहीं आया, हमारे दुखों को बाबा ने अपने ऊपर ले लिया। हम कभी भी दुखी नहीं रहने देते बाबा, सब कुछ हमको बताते हैं। हमारे बीच में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, अनन्य हमारे बीच में प्रेम है। नारद जी ने कहा, देवी हमें तो ऐसा लगा कि जब आप अपने पिता के घर में थी तो आपके पिताजी आपको बड़ा प्रेम करते थे, आपका मुखमंडल भी बहुत चमकता रहता था, और जब से आपका विवाह हुआ है तो कुछ मुख आपका थोड़ा मलिन हो गया है। बाबा ठीक रखते हैं ना? कहा बाबा तो ठीक रखते हैं। अच्छा देवी हमको एक बात बताइए, ये जो भगवान भूत बाबन भोलेनाथ अपने गले में मुंडों की माला को धारण करते हैं, क्या आपको पता है कि ये मुंडों की माला किसकी है? माता पार्वती ने कहा, आज तक बाबा ने हमको नहीं बताया। कहा देवी अब देखो यही तो बात है ना, पति अगर पत्नी को भरमाना चाहे तो घुमा देता है। अरे देवी आपको समझ नहीं है इन बातों की, बाबा ने आज तक आपको बताया नहीं, बताइए उनसे भगवान को कितना प्रेम होगा जिनके मुंडों की माला लेकर के बाबा आज तक अपने हृदय पर लगाए घूम रहे हैं। अब तो माता पार्वती को चाबी दे करके नारद जी वहां से निकल लिए। माता पार्वती ने कहा, देवर्षि रुक जाइए, कुछ चाय पानी पीजिए। देवर्षि ने कहा, नहीं नहीं हमारा काम तो हो गया। और देवर्षि जो है आ रहे हैं, मार्ग में भगवान शंकर मिल गए। भगवान शंकर को प्रणाम किया नारद जी ने। नारद जी ने कहा, भगवान जल्दी जाइए, देवी आपको याद कर रही है, बुला रही है। भगवान ने कहा, नारद जी जब घर पर आप पहुंच गए तो फिर तो देवी जी याद करेंगी करेंगी। हैं? भगवान शंकर गए तो देखा भैया माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही। आवाज लगाई, देवी कहाँ हो कहाँ हो, लेकिन कहीं कोई आवाज नहीं। तो पुराने समय में क्या होता था, जब माताएं क्रोधित होती थी ना, तो माताओं के क्रोध करने के लिए एक भवन बनाया जाता था जिसको कि कोप भवन कहते हैं। क्या कहते थे? हाँ, जब कभी गुस्सा हो जावे हैं तो मनाने के लिए फिर कोप भवन में जाना पड़ता था। आजकल तो ये है कि माताओं ने पूरा घर ही कोप भवन बना रखा है, छोटी छोटी बातों पर जो है लड़ाई झगड़ा शुरू। हाँ, भगवान शंकर तुरंत पहुंचे कोप भवन। मेरी देवी क्या बात हो गई, क्यों नाराज हो? पार्वती जी ने कहा, नहीं नहीं हम आपसे बात नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, अगर बताओगी नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा? हैं? ये माताओं की बड़ी भारी परेशानी है कि बताओ जरा क्या बात हो गई, तो माता कहते नहीं हम आपको समझना चाहिए। अरे भैया जब तक बताओगे नहीं तो समझेंगे कैसे? हैं? भगवान ने कहा, देवी बताओ तो बात क्या हो गई। कहा कि आप अपने गले में ये मुंडों की माला धारण करते हैं, आपने आज तक हमें बताया नहीं ये मुंडों की माला किसकी है। भगवान ने कहा, देवी इतनी छोटी सी बात का आपने बखेड़ा बना दिया है। अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, ये जो मुंडों की माला है ये किसी और के मुंडे नहीं है, ये आपके ही मुंडे हैं। आप जन्म जन्मांतर में जितनी बार आपका जन्म हुआ है, आपके साथ मेरा विवाह हुआ है, तो जब आप अपनी देह का त्याग करती हैं तो मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि आपके मुंड को अपने पास अपने गले में धारण कर लेता हूँ, ये मेरा प्रेम है। अब तो माता पार्वती ने कहा, अच्छा हर युग में हम जन्म लेते हैं और हर बार हम जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो आप हमारे मुंड को धारण करते हैं। भगवान ने कहा, हाँ। अच्छा अच्छा, तो फिर हर युग में मैं ही मरती हूँ, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, हमने तो अमर कथा का श्रवण कर रखा है, इसलिए हमारी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती ने कहा, अच्छा आप अकेले अकेले अमर कथा का श्रवण आपने कर लिया, हमको अमर कथा का श्रवण नहीं करवाया। माता पार्वती फिर नाराज है। माताओं को बस एक छोटा छोटा सा वो चाहिए, बस जैसे माचिस की तिल्ली में थोड़ा सा लगा होता है ना चिंगारी के लिए, बस हल्का सा ऐसे करो और पूरी ज्वाला धधक जाती है। माता फिर नाराज हो गई कि आपने स्वयं तो अमर कथा का पान किया लेकिन हमें कभी अमर कथा का पान नहीं कराया। भगवान ने कहा, नहीं देवी ऐसी बात नहीं है,
जितने भी आपके जन्म हुए हमने सदैव आपको अमर कथा श्रवण करानी चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करानी चाहिए। त्रेता युग में एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभज सिपाही, त्रेता युग में हमने सोचा कि आपको कथा श्रवण कराएं, लेकिन आपने कथा का श्रवण नहीं किया। अब तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु मैं इस अमर कथा का पान करना चाहती हूँ, आप हमें अमर कथा का श्रवण करवाइए। अब तो भगवान ने कहा ठीक है। माता पार्वती को अपने गणों को लेकर के भगवान शंकर हिमालय की एक कंदरा के पास पहुंची। धीरे धीरे हिमालय में चले जा रहे हैं, जाते 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 मार्ग में एक स्थान आता है पहलगाम, जहां पर भगवान ने नंदी जी को रोक दिया। नंदी एक काम करो तुम यहीं पर रुक जाओ। नंदी ने हाथ जोड़ दिए कि महाराज आप अमर कथा सुनाने जा रहे हैं, हमारी भी बड़ी इच्छा है कि हम अमर कथा का पान करें। भगवान ने कहा नहीं नंदी, तुम अमर कथा के अधिकारी नहीं हो। नंदी जी ने कहा क्या बात हो गई? कहा कि जिसके सर पर सिंह होते हैं वह कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। सिंह का तात्पर्य समझते हैं, जो बात का पतंगड़ बनावे, ऐसा व्यक्ति कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। नंदी जी को रोक दिया। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले गए, आगे जा करके एक स्थान पर आकर के चंद्रमा को उतार दिया। चंद्रमा को जब उतारा, चंद्रमा ने कहा महाराज मेरे तो सिंह भी नहीं है, हमें हमको क्यों उतार दिया? कहा कि चंद्रदेव सर पर चढ़ करके कभी भी भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया जाता, इसीलिए कहा गया कि व्यास आसन से ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए, नीचे बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। तुम ऊंचे में बैठे हो इसलिए तुम भी कथा श्रवण करने के अधिकारी नहीं हो। चंद्रमा को रोक दिया। जिस स्थान पर चंद्रमा को रोका गया, आज भी जब अमरनाथ की गुफा के लिए जाते हैं तो चंदनवाड़ी जो जगह पड़ती है वहां पर चंद्रमा को स्थापित कर दिया गया, रोक दिया गया। आगे जा करके आगे गए तो गंगा जी को कहा कि गंगा जी आप यहाँ पर उतर जाइए। गंगा जी ने कहा हमें बताइए हमारा क्या अपराध है? तो अभी श्रीमद् भागवत में मैंने आपको बताया कि ईर्ष्या का भाव जिसके मन में है वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। जब माता पार्वती ने भगवान को कहा कि हम कथा सुनना चाहते हैं और भगवान ने कहा आपको सुनाएंगे कथा, तो माता गंगा के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया कि आज तक भगवान ने हमको कथा नहीं सुनाई लेकिन माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। तो ये ईर्ष्या का भाव आ गया, तो माता गंगा को कहा कि आप भी इस कथा की अधिकारी नहीं है, आप भी रुक जाइए। तो पंचतरणी जो स्थान पड़ता है अमरनाथ जाने से पहले, वहां पर माता गंगा को रोक दिया गया है। आगे जा करके फिर एक स्थान आता है शेषनाग, समस्त सर्पों का त्याग वहां पर कर दिया। सर्पों से कहा कि जिसके मुख में विष है, जो कटु वचन बोलने वाले हैं, जिनके हृदय में जहर भरा हुआ है, ऐसे लोग भी भगवान की कथा सुनने के अधिकारी नहीं, सब को छोड़ दिया है। अब तो माता पार्वती को लेकर के गुफा में प्रवेश किया है। भगवान ने अपना डमरू बजाया, भयंकर कोलाहल इस डमरू के नाद से हुआ है। आसपास जितने पशु पक्षी थे सब वहां से भाग गए। भगवान माता पार्वती को भगवान की मंगलमय कथा श्रवण कराने लगे। देवी मैं आपको कथा श्रवण कराऊंगा लेकिन आपको हुम हुम करना है। जब आदमी सुनता है तो क्या करता है, सर को हिलाता कि नहीं हिलाता? जैसे आप लोग अभी सर को हिला रहे हैं ऐसे, तो पता चल रहा है कि आप कथा सुन रहे हैं। अब आप ऐसे मूर्ति की तरह बैठे रहेंगे, हमें भी लगेगा कि भैया हम भी अपना समय खत्म करेंगे, हैं? है कि नहीं? एक बार कह दो राधे राधे। हाँ देखिए राधे राधे, दोनों हाथ उठा करके कहियो राधे राधे। भगवान ने अपना डमरू बजाया, समस्त पशु पक्षी वहां से चले गए। माता को कहा कि कथा सुनाऊंगा तो हूं हूं करना पड़ेगा, नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि कथा श्रवण कर रही हो। तो कहते कि उस स्थान पर एक सुख का एक गला हुआ अंडा था, तोते का गला हुआ अंडा था जो खराब हो गया था। तो सुख तो उड़ गया लेकिन ये जो बेकार गलित अंडा है वो पड़ा हुआ है। इधर भगवान ने माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे करके उस गले हुए अंडे में प्राण आ गए। अब तो वह जो सुख है अंडे के भीतर बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण कर रहा है। धीरे 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 करके अमर कथा का पान करते करते जब श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का उत्तरार्ध आ गया, आगे ज्ञान की कथाएं होने लगी।
तो माता पार्वती को नींद आने लगी और माता पार्वती को नींद आ जाते हैं, माता पार्वती सो गई। अब तो ये जो सुख का बालक है इसने मन में विचार किया कि माता तो सो गई हैं, अगर माता ने हूं हूं नहीं करा तो भगवान कथा सुनाना बंद कर देंगे, तो क्या किया जाए। कहते कि सुख आदमी की आवाज निकालने में बड़ा तेज होता है, तो अब माता पार्वती की जगह पर ये जो सुख का नन्हा बालक है हूं हूं कर रहा है, अब तो भगवान कथा सुना रहे हैं। द्वादश स्कंध समाप्त हुए हैं, भगवान ने जयकारा लगाया, प्रेम से बोले वाके बिहारी लाल की, जयकारा लगाया तो माता पार्वती की नींद टूटी है, जैसे अभी दो चार भक्तों की टूटी है, कट से क्या हो गया क्या हो गया। हाँ हाँ, माता पार्वती ने कहा कि अच्छा प्रभु बताइए फिर दशम स्कंध की कथा के बाद फिर आगे क्या हुआ। भगवान ने कहा हमने कथा तो आपको श्रवण कराई। कहा नहीं प्रभु, मुझे तो दशम स्कंध के बाद नींद आ गई थी। तो भगवान ने कहा तो फिर हूं कौन कर रहा था। तो पता चला कि पीछे से जो सुख का गला हुआ अंडा है उसको तोड़ करके एक छोटा सा नन्हा सा सुख शावक बाहर निकला। अब तो भगवान ने कहा कि देखो तुमने मेरे शास्त्र की चोरी करी है। भगवान की कथा कभी भी पीछे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए, सदैव सम्मुख होकर के सुननी चाहिए। भगवान को क्रोध आया, अब तो भगवान त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े। या सुख का नन्हा बालक उड़ते 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 पास में ही जो व्यास जी महाराज हैं उनकी पत्नी धूप में बैठी बालों को सुखा रही थी, जम्हाई आई और सुख का जो नन्हा शावक है माता के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। अब तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भाव रखते हैं कि भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के मारने के लिए क्यों दौड़े, यद्यपि वो जानते हैं कि इसने अमृत कथा का पान किया हुआ है। भगवान चाहते हैं क्योंकि इस संसार में अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए मनुष्य का शरीर होना आवश्यक है। ये एक सीढ़ी है मनुष्य का शरीर। हम इसलिए तो कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, क्यों कहा गया, इसीलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य शरीर ही वह सीढ़ी है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान शंकर दौड़ाते हुए कहां लाए, व्यास पत्नी वहां बैठी हुई उनके गर्भ में आज सुखदेव प्रविष्ट हो गए। उसी गर्भ में बैठ करके 12 वर्ष तक श्री सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में रहे हैं। अब तो व्यास जी ने प्रार्थना करी कि बेटा गर्भ में बहुत समय हो गया, अब आप बाहर आइए संसार में आइए। सुखदेव जी कहते हैं नहीं नहीं, हम तो यही ठीक हैं, माता के गर्भ में हम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम इस संसार में आ गए तो भगवान की संसार में आते ही माया व्याप्त हो जाती है। विष्णु और माया भगवती या सम्मोहित जगत, इस पूरे ब्रह्मांड को पूरे संसार को भगवान की माया ने क्या कर रखा है, अपने बंधन में बांध रखा है, इसलिए हम इस संसार में आने वाले नहीं है पिताजी। व्यास जी ने फिर भगवान से प्रार्थना करी, भगवान नारायण से प्रार्थना करी, स्वयं भगवान नारायण सम्मुख प्रकट हुए कि सुखदेव जी मैं आपको यह वचन देता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप इस संसार में आएंगे, आपको मेरी माया व्याप्त नहीं होगी। तो कहते हैं कि 12 वर्ष के बाद श्री सुखदेव जी महाराज जब गर्भ से निकले हैं, तो आप समझ लीजिए कि 12 वर्ष का बालक कैसा होता है। तुरंत गर्भ से निकलते ही उसी नग्न अवस्था में श्री सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर भागे। कल मैंने आपको बताया था हैं कि जब सुखदेव जी भागने लगे जंगल की ओर, व्यास जी पीछे पीछे भागे जा रहे हैं कि बेटा रुक जा रुक जा रुक जा। सुखदेव जी चले जा रहे हैं, व्यास जी पीछे पीछे रोक रहे हैं, ये पुत्र का मोह है, बड़े से बड़ा धीर ज्ञानी वो भी संसार के बंधन में मोह में ग्रसित हो जाता है। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं तो कहते हैं कि प्रतिध्वनि में वृक्षों से आवाज आई कि हे व्यास जी, इस संसार में जो लोग परोपकार की कामना अपने मन में रखते हैं, आप हमें देखिए, हम वृक्ष हैं, जब हमारे में ये फल लगते हैं, ये फल क्या है, ये फल हमारे संतान हैं, हमारी पुत्र हैं, लेकिन लोग आते हैं बड़े बड़े पत्थर लेकर के पत्थर मारते हैं और पत्थर मार करके हमारे फलों को तोड़ करके ले जाते हैं। हमने कभी किसी से नहीं कहा कि हमारे पुत्रों को मत ले जाओ, अरे परोपकार की भावना मन में होनी चाहिए, हैं परोपकार फलंती वृक्षा
परोपकाराय वहंती नद्यः, नदी का जल हम ले जाते हैं, सब परोपकार के लिए इस संसार में काम कर रहे हैं। आज आपका ये पुत्र संसार के तारण हेतु संसार को मुक्ति देने के लिए इस संसार में जाना चाह रहा है और आप उसको पीछे से खींच रहे कि नहीं नहीं बेटा हमारे साथ में रहो, परिवार के साथ में रहो, बंधन में रहो, ये बहुत गलत बात है। तो इस प्रकार से तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मी ऐसे प्रव्रजंत श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं। तो यहाँ पर सुंदर ये भगवान शंकर की कथा है, शंकर जी का नाम आ गया तो जरा शंकर जी के नाम का संकीर्तन। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, 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 तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, 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 मन मन दिल का पर्दा खोलो, मन मन दिल का पर्दा खोलो, ये अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, ये अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। एक बार दोनों हाथ उठा करके भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, पिंजरा यही पड़ा रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता
जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा, पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। परम मंगलमयी कथा है। यहां पर श्री सुखदेव जी के चरित्र का वर्णन करने के पश्चात यहां पर सूत जी ने स्वर्णकादि ऋषियों को उनके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अब चूंकि भगवान की कथाओं के लिए समय बहुत चाहिए है, तो संक्षिप्त रूप में आपको कथाओं का श्रवण कराते हुए आगे सूत जी महाराज स्वर्णकादि 88,000 ऋषियों को समझाते कह रहे हैं कि हे ऋषिगणों, जीव मात्र का धर्म है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और वह परमात्मा की भक्ति कैसी होनी चाहिए? कहा गया है कि कामना से रहित। हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो कैसी कामना, क्या कैसी भक्ति करते हैं जिसमें कामना होती है? अरे भैया, भगवान की पूजा कर रहे हैं परमात्मा, हम आपको 11 रुपए का 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहे हैं और हमारा जो है सुंदर एक जो है 100 गज का मकान बन जाए, हमारे पास बड़ी वाली गाड़ी हो जाए। ये 11 रुपए 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा करके हम भगवान से मोल भाव करते हैं कि भगवान बड़ी गाड़ी मत दो तो छोटी गाड़ी ही दे दो। ये इस प्रकार की हम भक्ति करते हैं। क्या ये भक्ति भक्ति है? नहीं, ये तो सौदा है, व्यापार कर रहे हैं परमात्मा से। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? कहा गया अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? अप्रतिहता, जो निरंतर चलने वाली हो। ऐसा नहीं कि भैया आज जो है बड़ा मन कर रहा है, आज भगवान का जाप कर लिया, फिर 1 साल के लिए जो है छोड़ दिया। लोग अपने घर में ठाकुर जी को बिठाते हैं, रखते नहीं रखते लोग, है ना? हाँ, तो घर में ठाकुर जी को रखते हैं। जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो खूब नए नए हारों से भगवान को सजाते हैं, दूध दही से स्नान करवाते हैं और उसके बाद 1 साल तक ठाकुर जी कौन से कोने में पड़े रहते हैं। फिर 1 साल तक वो दिखाई नहीं देते कहीं, फिर अगले साल जन्माष्टमी में ही दिखाई देंगे। तो ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। कैसी भक्ति होनी चाहिए? निरंतर चलने वाली भक्ति होनी चाहिए और निष्काम भक्ति होनी चाहिए। इस निष्काम धर्म का उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस भक्ति को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। तो कहा गया कि तस्मादेनेन मनसा भगवतां भगवान सत्तां पति। किस प्रकार से भक्ति को बढ़ाया जाए? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च और ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। सबसे पहले भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान की कथाओं का श्रवण करें। अरे जब तक हम जानेंगे नहीं कि कौन वह परमात्मा है, सबसे पहले तो जानना पड़ेगा ना। तो कैसे जानेंगे? जब भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे। श्रोतव्यः, भगवान की कथाओं का श्रवण करिए। उसके बाद क्या करना है? कीर्तितव्यश्च, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। जब भी भगवान का नाम संकीर्तन हो, लोग कई बार जो है हाथ बांध करके बैठ जाते हैं, अरे भगवान का कीर्तन हो रहा है। अगर आपको वह मौका मिल रहा है तो भगवान के नाम का जाप भी करना चाहिए। तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, उसके बाद ध्येयः, भगवान का एकांत में बैठ करके, सुखासन में बैठ करके भगवान का ध्यान करना चाहिए और पूज्यश्च, भगवान का पूजन करना चाहिए। हैं? इस प्रकार से पूरा विधान बता करके कि हे ऋषियों, परमपिता परमात्मा उस वासुदेव का चिंतन करने से, ध्यान करने से है? जो हमारे हृदय का जो अंधकार है, जो अज्ञान है, वह नष्ट हो जाता है। इसलिए सदैव उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। प्रश्न क्या था? के अवतारश्च, कितने भगवान के अवतार हुए? तो भगवान के 24 अवतारों के बारे में बताया गया। तो
बहुत लंबा प्रसंग है, आप सभी जानते हैं कि मुख्यतः हमारे शास्त्रों में 10 अवतार दशावतार कहे गए हैं, लेकिन ये जो भी भगवान के अवतार हैं, आगे की कथा में इनका प्रसंग हम श्रवण करेंगे 24 अवतारों का। आगे सोनक जी ने जो प्रश्न किया था कि भागवत जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो यहाँ पर सुत जी कह रहे हैं कि द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः परासरा योगी वासव्याम कलया हरि। कह रहे हैं कि कलयुग के अंत में पाराशर ऋषि के घर में माता सत्यवती के गर्भ से भगवान ने व्यास जी के रूप में अवतार लिया है, और जब व्यास जी के रूप में कला अवतार में भगवान प्रकट हुए हैं तो कहते हैं कि सर्वोत्तम 4 भागों में वेदों को विभक्त किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद 17 पुराणों की रचना करी, महाभारत की रचना करी, लेकिन इन पुराणों को रचने के बाद भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं है, जीवन में कुछ संशय है, सोच रहे कि कुछ जीवन में कमी रह गई। इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखने के बाद भी मन में संशय है, क्यों यह जीवन में मेरे दुख है। तो एक बार अपने आश्रम में बैठे हुए दुखी हैं, नारद जी का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण 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 नाम का संकीर्तन करते हुए नारद जी प्रकट हुए। नारद जी को देखा तो प्रणाम किया कि देव ऋषि आपके दर्शन हो गए तो मेरा जीवन धन्य हो गया। नारद जी ने कहा, यह बताओ कि कष्ट किस बात का है, क्या कष्ट है। कहा, प्रभु बताइए, मैंने वेदों का विभाजन किया है, 17 पुराण लिख डाले, लेकिन अभी तक मेरे जीवन में संतोष नहीं है, क्या उसका कारण है। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने आज तक भगवान की लीलाओं का गान नहीं करा, इसलिए आपके जीवन में यह दुख है। अरे आप चाहे जीवन में कुछ भी लिख लीजिए, अगर आपने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चिंतन नहीं किया तो आपके जीवन में सुख की अनुभूति होने वाली नहीं है। व्यास जी को सुनकर के बड़ा आनंद आया। कहा, नारद जी, आपने तो मेरे हृदय की जो चिंता थी उसको जान लिया, आपको यह परम दुर्लभ ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, जो आप सब लोगों के दुखों को दूर करते हैं, आपको यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, मुझे भी बताइए। नारद जी कहते हैं कि यह गुण साधन तैं नहीं होई, तुमरी कृपा पावे कोई को। ये तो जब परमात्मा की कृपा होती है, तो जब परमात्मा की कृपा हो जावे तो ये ज्ञान ऐसे ही आ जाता है। हे व्यास जी महाराज, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाता हूँ। एक दासी के पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। बाल्यकाल में ही मेरे पिता हमें छोड़ करके चले गए। घर में बस मैं और मेरी माँ रहते थे। कौन बता रहे हैं? श्री नारद जी महाराज के पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। माता जी ब्राह्मणों के घर में जाकर के काम करती थी, चूल्हा बर्तन करती थी। मैं भी अपनी माँ के साथ में जाता था, अपनी माता की सेवा करता था। बाल्यकाल से ही मातृभक्त था। माता के कार्यों में सहयोग करना, प्रत्येक बच्चे को चाहिए कि अपने माता पिता के को सहयोग करना चाहिए। घर में पूरी जीवन माता करती है, निस्वार्थ भाव से घर का काम करती है। बच्चों को यह समझना चाहिए कि माता पिता का सहयोग यथाशक्ति जितना हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा काम आप बच्चों के ऊपर डाल दें, लेकिन बच्चों को ये संस्कार दें कि बच्चे भी उस कार्य में आपका सहयोग करें। नारद जी अपनी माता के साथ साथ में सेवा करते हैं। एक बार की बात है, चातुर्मास प्रारंभ हुआ। ये चातुर्मास अब ये जुलाई के आसपास से प्रारंभ हो जाता है, जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है ना। तो कहते हैं कि वर्षा ऋतु जब आती है उसके बाद जो छोटे छोटे कीट पतंगे हो जाते हैं वो बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा जहाँ लाइट होगी वहां पर बहुत सारे भर भर वो आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जब इस चातुर्मास में कीट पतंगे बहुत हो जाते हैं तो कहते हैं कि उस वक्त साधु संत इधर उधर की यात्राएं नहीं करते, क्योंकि चलने से क्या होता है, अनेक जो जीव है कुछ पाँव के नीचे आ रहे हैं, है ना, तो इस प्रकार से पाप होता है। तो साधु संत एक ही स्थान पर बैठ करके भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। तो एक बार की बात है, नारद जी बता रहे हैं
कि हे व्यास जी महाराज, पुराने काल में जब चातुर्मास का समय आया, हमारे घर में, हमारे ग्राम में कुछ संतों का आगमन हुआ है और संतों ने विचार किया कि चातुर्मास प्रारंभ हो गया है, अब 4 महीने हम इसी गांव में विश्राम करेंगे। मेरी जो माता जी हैं वो ब्राह्मणों की, उन संतों की सेवा करने लगी। अब संतों के लिए स्नान के लिए जल गर्म करना है तो माता जी जंगल में जाकर के लकड़ियां काटती हैं। मैं भी अपने सर पर छोटी छोटी लकड़ियों का गट्ठा लेकर के आता हूँ, हैं, माता की सेवा करता हूँ, ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करता हूँ। माता जी भोजन बनाती हैं, मैं ऋषियों को पत्तल बांटता हूँ, भोजन करवाता हूँ। तो कहते हैं कि उन संतों की सेवा से मेरे जीवन में चमत्कार हो गया है, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। एक बार की बात है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी। मैंने कहा मैया मैया मुझे भूख लगी है। माता ने कहा नहीं नहीं बेटा, अभी तो पहले संत जब प्रसाद को ग्रहण करेंगे उसके बाद हम जो उनका जो उच्छिष्ट भोजन होगा, उनका जो प्रसाद बच जाए उसका हम भोग लगाएंगे। अब तो नारद जी को इतनी भूख है कि संतों के द्वारा त्यागा गया जो उच्छिष्ट है, जो जूठन है, नारद जी ने उस प्रसाद को प्राप्त किया, उस शीत प्रसादी को प्राप्त किया। तो कहते कि नारद जी का हृदय परम निर्मल हो गया। अब तो जब समस्त संत जन भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं तो नारद जी भी साथ में बैठ जाते हैं। छोटा सन्नन्हा सा बालक है, उन संतों के साथ बैठ करके भगवान के नाम का संकीर्तन करता है। रात्रि काल में भोजन के पश्चात जब संत भजन करते तो नारद जी छोटे छोटे बालक हैं और संतों के बीच में नाचते हैं, भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। धीरे धीरे करके ये 4 महीने या चातुर्मास का व्यतीत हो गया, नारद जी को पता नहीं चला। अब तो संतों के जाने का समय आया। जब नारद जी को पता चला तो नारद जी का तो मानो हृदय ही फट पड़ा कि अगर ये संत गांव से चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। अब तो नारद जी रो रहे हैं, संतों से बार बार आग्रह करते हैं कि आप यहीं निवास करिए। संतों ने कहा नहीं नहीं बेटा, हमको तो बद्रिकाश्रम जाना है। नारद जी ने प्रार्थना करी कि महाराज मुझे भी अपने साथ में ले जाइए, मैं भी अब आपके बिना नहीं रह सकता। संतों ने कहा अरे बेटा, आपकी माता जी ने 4 महीने तक हमारी इतनी सेवा करी और तुम अपने माता के एकमात्र आधार हो, आपकी माँ के तुम एकमात्र सहारे हो। अगर हम तुम्हें अपने साथ में ले गए तो तुम्हारी माता जी के मन में क्या बीतेगी, है? इसलिए बेटा अभी तुम्हारी जो जिम्मेवारी है वो क्या है, माता पिता की है, है ना? हमारे शास्त्रों में इसको बड़ा भारी पाप माना गया है कि अगर हमारे घर में माता पिता हैं, हम संतान हैं, तो हम बिना माता पिता की अनुमति के महात्मा भी नहीं बन सकते। अगर आप महात्मा बनते हैं तो उसका आपको पाप लगेगा, क्योंकि जब आपने पुत्र के रूप में जन्म लिया है तो आपके ऊपर एक ऋण है, पितृ ऋण, मातृ ऋण, उसको कौन चुकाएगा? तो संतों ने कहा नारद जी आप अपनी माता से आज्ञा लेकर के आइए और हम तो यह कहेंगे कि जब तक आपकी माता जी हैं आप अपनी माता जी की सेवा करिए, जब आपकी माता जी का शरीर पूरा हो जावे तो आप हमारे साथ कभी चलना, जंगल कल प्रस्थान करना। अब तो नारद जी के बड़े भारी मन से नारद जी ने संतों को विदा किया है। नारद जी ने जाते जाते कहा प्रभु मुझे भगवान का नाम दीजिए, मैं क्या नाम लेकर के भगवान का संकीर्तन करूंगा। अब तो नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय नमः संकर्षणाय च, इस महामंत्र को देकर के आज ऋषियों ने कहा कि इस महामंत्र का जाप करो, हैं? अब तो नारद जी संत जब चले गए, घर में बैठ कर के इस महामंत्र का जाप कर रहे हैं और जाप करते 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 आज नारद जी की ऐसी लौ लगी है परमात्मा में, सब कुछ भूल जाते हैं। नारद जी की आयु के जितने बालक हैं सब खेलने के लिए जाते हैं, घूमते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन नारद जी घर के कोने में बैठ कर के भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, हैं? उसी स्थान पर बैठ कर के हंस रहे हैं, रो रहे हैं, भगवान के नाम का चिंतन कर रहे हैं। जब नारद जी की माता जी ने देखा अरे भैया हमारा बालक तो जब से संत गए हैं तब से तो इसने बाहर जाना ही बंद कर दिया है, अरे कहीं हमारा बेटा बाबा ना बन जाए। आज के समय में माताओं की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं हमारी संतान बाबा ना बन जावे, चाहे संतान चोर लुटेरा डाकू कुछ बन जावे, लेकिन बाबा नहीं बनना चाहिए।
तो माता जी ने विचार किया कि ऐसा करते अपने लाला जी में शादी कर दूं, विवाह कर दूं, तो एक बार जब विवाह हो जाएगा पत्नी के मुंह में बध जाएगा तो फिर धीरे धीरे कर करके इसका मन जो है गृहस्थ में लग जाएगा। नारद जी ने जब मन में सुना तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब तो माता जी मन में विचार कर रही है कि हमारी शादी हो जाए और एक बार अगर हम इस जंजाल में फंस गए फिर तो फिर पत्नी है, फिर बच्चे हैं, फिर बच्चों की सेवा करो, फिर बच्चों की शादी करो तो फिर पोते हो जाते हैं, हैं? फिर पोतों की सेवा करो, तो एक बार जब ये चक्र प्रारंभ हुआ तो ये समाप्त होने वाला नहीं है। अब तो नारद जी मन में विचार करें, परमात्मा अब आप ही इस चक्र से मुझे मुक्ति दे सकते हैं। तो कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद एक ऐसा संयोग हुआ कि नारद जी की माता जी गाय को दुहने के लिए गौशाला में गई, वही एक सर्प के ऊपर उनका पांव पड़ा और सर्प ने नारद जी की माता को डस लिया और तत्काल वहीं पर उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। गांव वालों ने आकर के बताया, अरे बेटा तुम्हारी माता जी को सर्प ने डस लिया है। अब तो नारद जी भागे भागे पहुंचे हैं, अपनी माता का संस्कार किया और वही शमशान से फिर नारद जी वापस घर की ओर नहीं गए, फिर जंगल की ओर चले गए और जंगल की ओर जाते जाते अनेकों अनेक पहाड़ों को नदियों को पार करते करते सुंदर एक सरोवर के समीप पहुंचे हैं, स्नान किया है और वही पास में एक वृक्ष के नीचे बैठकर के ध्यान लगाया। अब तो जब नारद जी ने ध्यान लगाया, कहते हैं कि भगवान की परम सुंदर दिव्य झांकी नारद जी के हृदय में प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। सुंदर यह जो भगवान की छवि है आज नारद जी के हृदय में प्रकट हो गई और थोड़ी ही देर में वह छवि क्या हो गई, चले गई, नष्ट हो गई। अब तो नारद जी व्याकुल हो गए, जगह जगह देखने लगे, रोने लगे। आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी, अरे पक्षायाम दुर्दशो हम योगिनाम। नारद जी अभी आपकी जो भक्ति है वो क्या है, अपरिपक्व है, अभी आपको और भक्ति करनी है, आप भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहो। मैंने जो आपको ये दर्शन दिए वो इसलिए दिए ताकि आपकी श्रद्धा, जो संतों के जो वचन है कि आप भगवान के नाम का चिंतन करो तो परमात्मा अवश्य प्राप्त होंगे, इस बात को सिद्ध करने के लिए मैंने अपनी झांकी तुम्हें दिखाई है। नारद जी आप मेरे नाम का चिंतन करते रहो और इस सृष्टि के नष्ट होने के बाद तुम मेरे पार्षद बनोगे, मेरी ही भक्ति में निरंतर रहोगे। तो कहते हैं कि नारद जी ने जब भगवान के नाम का चिंतन करते करते अपने देह का त्याग किया और इधर जब महाप्रलय हुई उसके बाद भगवान जी उस बालक ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में नारद के रूप में क्या करा, इस शरीर को धारण किया। तो नारद जी किसको सुना रहे हैं कथा, व्यास जी महाराज को, कि इस प्रकार से संतों की जब कृपा मेरे ऊपर हो गई तो क्या हुआ, मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और देवदत्ता वीणा, देवताओं के द्वारा ये वीणा मुझे प्रदान हुई। आज नारद जी की आंखों में अश्रु हैं, हे व्यास जी भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी, संत जनों ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी, अगर संतों की कृपा हो जाए तो कल्याण हो जाता है। तो इस प्रकार से नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को दी और व्यास जी को दी, व्यास जी ने उससे क्या करा, पूरा एक पुराण 18,000 श्लोक की यह जो श्रीमद् भागवत है इसको लिख लिया। लिख करके इसकी जो शिक्षा है अपने पुत्र सुखदेव जी को इसकी शिक्षा दी है। प्रसंग आगे आता है कि महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने यह कथा श्रवण क्यों करवाई, तो महाभारत का सुंदर दिव्य प्रसंग आता है कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिं गतेषु। महाभारत का प्रसंग आता है कि जब महाभारत का युद्ध संपूर्ण हो गया, भीम की गदा से जब चोट हुई है, दुर्योधन की जंघाएं टूट गई हैं और दुर्योधन भूमि पर पड़ा हुआ है, अपनी अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है, तो तीन रथी बचे हुए हैं महाभारत में भी, कौन कौन हैं, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये तीनों बचे हुए हैं। ये तीनों दूर से देख रहे हैं कि जो हमारे युवराज दुर्योधन हैं पड़े हुए हैं। जब सब पांडव अपने अपने स्थानों को चले गए, पूरा कुरुक्षेत्र लाशों से भरा पड़ा है, ये तीनों युवराज दुर्योधन के पास गए, प्रणाम किया,
युवराज आपकी यह दशा हमसे देखी नहीं जा रही है। कभी हजारों हजारों दासियों से युक्त आपका वह वैभव और आज आप भूमि पर पड़े हुए हैं। अश्वत्थामा क्योंकि दुर्योधन के मित्र हैं, कहा कि मित्र तुमने कभी मुझ पर वह भरोसा नहीं दिखाया जो तुमने कर्ण पर दिखाया, जो तुमने द्रोणाचार्य पर दिखाया, जो तुमने पितामह पे दिखाया। अगर तुमने मुझे सेनापति बनाया होता ना तो तुम्हारी यह दुर्दशा नहीं होती, मैं युद्ध का यह परिणाम होने ही नहीं देता। दुर्योधन ने कहा कि अभी मैं जीवित हूँ, जाओ मैं आज से तुम्हें अपनी सेना का क्या बनाता हूँ, सेनापति बनाता हूँ। अब तो अश्वत्थामा ने भी आश्वासन दे दिया कि मैं पांचों पांडवों के मस्तक आपके पास ले आऊंगा धीरे धीरे करके। अश्वत्थामा ने ये वचन कहे और पांडव शिविर की ओर चला गया। रात्रि काल में जब सभी जो पांडव हैं वो आनंद मना रहे हैं, आज पांडव अपने शिविर में नहीं और पांडवों के शिविर में पांडवों के पांच बालक सो रहे हैं जो अपने पिता की ही भांति शरीर के हैं। पांचों पांडवों को भगवान श्री कृष्ण जो है अन्यत्र लेकर के गए हैं। इधर अश्वत्थामा अर्धरात्रि में पहुंचा है शिविर में और शिविर में पहुंच करके पांडवों के पांचों बच्चों का सर काट करके उन सरों को एक पोटली में बांध करके आज दुर्योधन के पास लाया। प्रातःकालीन समय है, दुर्योधन ने कहा कि पांडवों को मार करके ले आए, अश्वत्थामा ने कहा हम तो ले आए। दुर्योधन ने कहा ऐसा संभव ही नहीं है, अरे जिन पांडवों की मृत्यु के लिए मैं इतनी प्रतीक्षा करता रहा, बड़े बड़े योद्धा पितामह भीष्म जैसे योद्धा, आचार्य द्रोण जैसे, अंगराज कर्ण जैसे योद्धा, जिन पांच पांडवों का बाल बांका भी नहीं कर सके, तुम कहते हो कि तुमने उन पांचों पांडवों का वध कर दिया, असंभव, हो ही नहीं सकता। अश्वत्थामा ने कहा महाराज मैं जानता था कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं पांचों पांडवों के मस्तक अपने साथ में लाया हूँ, बताइए आपको किसका मस्तक चाहिए। दुर्योधन ने कहा अच्छा देखो वैसे तो मैं पांचों पांडवों से मेरी बड़ी शत्रुता रही है, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा शत्रु रहा है वह भीम रहा है, मुझे भीम का मस्तक निकाल करके दो। तो जो भीम के बालक का मस्तक था वह भी भीम के समान ही था, तो बड़ा सा मस्तक निकाल करके अश्वत्थामा ने वह जो मस्तक है दुर्योधन की ओर उछाला है। तो कहते हैं कि अर्धरात्रि का यह समय है, जिस दुर्योधन के शरीर में रक्त की एक बूंद नहीं है, जो दुर्योधन हिल नहीं पा रहा, जिस दुर्योधन के मांस को सियार गिद्ध नोच रहे हैं और तब भी वह इतना असहाय है कि वो हिल नहीं पा रहा, लेकिन जब भीम का मस्तक सामने आया तो कहते हैं कि दुर्योधन खड़ा हो गया और एक मुष्टि के प्रहार से वो जो मस्तक था उसको छिन्न भिन्न कर दिया। और जब वह मस्तक छिन्न भिन्न हो गया दुर्योधन धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अश्वत्थामा मैं जानता हूं कि ये जो मस्तक था ये भीम का मस्तक हो ही नहीं सकता, बताओ ये किसका मस्तक है। अरे मुझे ऐसा लगता है कि ये भीम का नहीं भीम के पुत्र का मस्तक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस मस्तक पर मैंने हजारों हजारों बार अपनी गदा से पूरे बल के साथ प्रयोग करा, लेकिन उस भीम के मस्तक का कुछ बिगड़ा नहीं और आज मात्र एक मुष्टिक प्रहार से वह मस्तक छिन्न भिन्न हो गया। अश्वत्थामा मैं मान नहीं सकता, तुमने निश्चय ही पांडवों के पुत्रों का क्या कर दिया, वध कर दिया है। आज यह जो दुर्योधन है इसकी आंखों में भी अश्रु आ गए, रोने लगा, विलाप करने लगा। अश्वत्थामा मुझे पता है कि मैं पांडवों से बड़ा बैर करता हूँ, पांडव मेरे शत्रु हैं, लेकिन मेरे मन में एक बात थी, मुझे पता है कि मैं यह महाभारत का युद्ध हार गया, अरे कोई बात नहीं, कुछ समय ये पांडव भी राज करेंगे और कुछ समय पश्चात ये भी मर करके ये भी यहाँ से चले जाएंगे, त्याग देंगे राज्य को। मुझे ऐसा लगता था कि पांडवों की जो संतान है, हमारे तो कोई संतान बची नहीं, लेकिन ये पांडवों के जो बच्चे हैं ये जब आगे के समय में जब अपने पितरों का तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तो अपने चाचा ताऊ का हमारा भी नाम लेंगे। हैं? जब तर्पण होता है तो पूरा पूरी पीढ़ियां आती हैं, 10 पूर्वान 10 परान, है ना, तो हमारा भी नाम आएगा, हमको भी कोई जल देने वाला होगा। अश्वत्थामा तुमने हमारे वंश में किसी जल देने वाले को भी नहीं रखा, आज दुर्योधन की आंखों में अश्रु है, रो रहा है, विलाप कर रहा है। तो देखो
दुर्योधन को ये श्राप था कि जब आपको बहुत अधिक हर्ष होगा और उसी क्षण आपको बहुत अधिक दुख होगा, जब ये दोनों समान अवस्था में आपको होंगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। तो जब पांडवों के सर के बारे में सुना तो दुर्योधन को बड़ा प्रसन्नता हुई, और जब ये जाना कि ये तो पांडवों के बालक हैं, अब तो दुर्योधन को इतना दुख हुआ कि उसी समय दुर्योधन ने अपने शरीर को त्याग दिया है। अब तो अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं बचने वाला नहीं, और वहां से भागा है अश्वत्थामा। इधर प्रातः कालीन जब भगवान सूर्य नारायण की किरणें शिविर पर पड़ी हैं, माता ने विचार किया कि बालक बहुत देर हो गई, अभी तक उठे नहीं है, क्या बात हो गई। शिविर के अंदर दासी को भेजा, जब दासी ने देखा तो चित्कार मारती हुई बाहर आती है। सभी लोग आकर के एकत्रित हो रहे हैं। जब मैया द्रौपदी वहां पहुंची हैं, उस दृश्य को देखा, पांच पुत्र हैं और पांचों का धड़ ही धड़ पड़ा हुआ है, मस्तक नहीं है। माता की आंखों में अंधेरा छा गया। जिस माँ के पांच पुत्र सब के रूप में लेटे हुए हों, क्या जीवन में कष्ट होगा, सहम गई माता। इधर पांडवों को ज्ञात हुआ कि पांचों पुत्र नहीं रहे, पांडव दौड़ते दौड़ते आए, भगवान कृष्ण साथ में आए। विचार किया कि किसने इस कर्म को किया है, पता चला कि अश्वत्थामा ही इस कर्म को कर सकता है। भगवान अर्जुन के साथ में गए हैं, जहाँ पर अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हुआ है। अश्वत्थामा ने यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया, तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। और जब ये ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे तो स्वयं ब्रह्मा जी समक्ष आ गए हैं कि अपने अपने अस्त्रों को आप वापस ले लो। लेकिन अश्वत्थामा अपने अस्त्र को वापस लेना नहीं जानता था, अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र वापस ले लिया है, और अश्वत्थामा को घसीटते हुए पशुवत आज शिविर में लाया गया है। भीम ने कहा कि इसको अभी मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन धर्मराज इस पक्ष में नहीं है। धर्मराज ने कहा नहीं नहीं, इसको ये ब्राह्मण का पुत्र है, गुरु का पुत्र है, इसको मृत्यु नहीं दे सकते, क्या किया जाए। कहा गया कि ब्राह्मण के लिए अपमान ही मृत्यु के समान है, इसको अपमानित किया जाए। अब जो है अश्वत्थामा की चोटी को काट डाला गया, मुख काला करके। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि थी, और इस मणि का ऐसा प्रभाव था कि अश्वत्थामा को कभी कोई रोग व्याप्त नहीं होता था, क्योंकि पुराने समय में कई दिनों तक महीनों तक युद्ध होते थे, तो इस मणि के प्रभाव से अश्वत्थामा को कभी भूख नहीं लगती थी, कभी शरीर में कोई रोग नहीं होता था, कभी भी शरीर में कोई अगर अंग कोई कट जाए, कोई चोट पटक लग जाए तो तत्काल ठीक हो जाती थी, ये उस मणि का प्रभाव था। लेकिन आज भगवान ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, भगवान कृष्ण ने कि अश्वत्थामा जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने बड़ा भारी पाप किया, बच्चों की हत्याएं करी हैं, तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम ये जो युद्ध के जो तुम्हारे शरीर पर घाव हैं, ये घाव तुम्हारे कभी नहीं भरेंगे। आज अश्वत्थामा की उस मणि को मस्तक से भगवान ने निकाल दिया और कहा कि तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होगी। और कहते कि उस द्वापर युग से आज तक राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश के बीच का जो जंगल का इलाका है, अश्वत्थामा आज भी इस स्थान पर भ्रमण करता है। और कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, वह भगवान शंकर के मंदिर में पूजन करने के लिए आता है और बारंबार भगवान शंकर से प्रार्थना करता है कि प्रभु ये मेरा जो जीवन है आप मेरे को मृत्यु प्रदान करिए, लेकिन अश्वत्थामा को मृत्यु नहीं आती, ऐसा माना गया है अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा ने जाते जाते उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी है उनके गर्भ पर प्रहार किया है। उत्तरा ने जब भगवान से प्रार्थना करी, पाहि पाहि महायोगिन, हे योगेश्वर, हे भगवान, आप मेरे गर्भ की रक्षा करिए, मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं है, लेकिन आज पांडवों के वंश में मात्र एकमात्र यही एक बालक है, इसकी आप रक्षा करिए। तो भगवान ने गर्भ में जाकर के उस बालक की क्या करी, रक्षा करी। और धीरे धीरे करके जब यह बालक संसार में आया, अब चूंकि समय थोड़ा कम है तो कथाओं को जरा, हाँ, तो जब इस बालक का जन्म हुआ, परितः इच्छिते इधर उधर देखने लगा कि भैया गर्भ में जिस भगवान ने मेरी रक्षा करी वो भगवान कहाँ है, तो इधर उधर देख रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम पड़ा परीक्षित, एक इनका नाम पड़ा विष्णुराज। भगवान ने जिनकी
गर्भ में रक्षा करी, इसलिए इनका नाम पड़ा विष्णुराज। परीक्षित इनका नाम पड़ा है। अब तो महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलाया है, बड़ा भारी उत्सव करा है। ब्राह्मणों से पूछा कि हमारे बालक का जीवन बताओ। कहा कि ये परम प्रतापी होगा, परम दानी होगा, हैं? बहुत सुंदर इनका जीवन होगा, संत संतों की सेवा करेंगे, लेकिन इनकी मृत्यु ऋषि के श्राप के द्वारा, सर्प के काटने से इनकी मृत्यु होगी। महाराज युधिष्ठिर चिंतित हो गए। तो ब्राह्मणों ने कहा चिंता मत करो, इनकी इनकी अधोगति नहीं होगी, क्योंकि सर्प के काटने से जिनकी मृत्यु होवे, हैं, कोई जल में गिर करके मर जावे, सर्प के काटने से जिसकी अधो मृत्यु हो वो फिर नरक को जाता है। ब्राह्मणों ने कहा नहीं नहीं, इनकी सदगति होगी, ये भगवान की परम मंगलमय कथाओं का श्रवण करते हुए इनका जीवन बीतेगा। अब तो धीरे 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 करके कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम को गए, इस समाचार को सुन करके पांडवों ने भी अपने राज्य का त्याग कर दिया और राज्य जो है राजा परीक्षित को राजा बना दिया गया है। कालांतर में जब महाराज परीक्षित बड़े हुए हैं और धीरे 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 करके जब बड़े हुए तो क्या इनका विवाह हुआ है, सुंदर संतान हुई है, अपने राज्य में भ्रमण कर रहे हैं। और राज्य में भ्रमण करते करते एक बार की बात है, इन्होंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा कि एक वृषभ और एक गाय, एक बैल और एक गाय चले जा रहे हैं। इस वृषभ के मात्र एक पैर है और रेंगते हुए जा रहा है। गौ माता को कोई एक काला सा व्यक्ति ताड़ रहा है, मार रहा है, डंडे से पीटता हुआ ले जा रहा है। महाराज परीक्षित ने जब यह दृश्य देखा, अब तो महाराज परीक्षित को बड़ा क्रोध आया कि मेरे इस राज्य में जहाँ भगवान कृष्ण स्वयं धेनु को चराते हैं, गाय का इतना सम्मान करते हैं, हमारे राज्य में गौ माता की ऐसी दुर्दशा, भयंकर क्रोध आ गया, तलवार हाथ में निकाल ली। कौन हो? जब कली को कली ने सामने देखा महाराज परीक्षित को, अब तो हाथ जोड़ लिए, महाराज मेरा नाम कली है, काका तुम्हारा आगमन हमारे राज्य में क्यों हुआ? तुम्हारा हमारे राज्य में आगमन नहीं होना चाहिए, अगर तुम आ गए तो हमारे राज्य में चोरी दुर्भिक्ष अनेक अनेक प्रकार के जो कली का आगमन हो जाएगा, इसलिए तुम हमारे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कली ने हाथ जोड़ लिए, भगवान ने कहा कि परीक्षित ने कहा कि मैं तुम्हें अभी दंड देता हूँ, अभी तुम्हारा मस्तक अलग करता हूँ। तो कली हाथ जोड़ करके लेट गया। देखिए शास्त्र कहता है नवनि नीच के अति दुखदाई, जो नीच व्यक्ति हो अगर वो झुक जाए ना तो ऐसा मत समझिए कि वो झुक गया है। जब बिल्ली झुकती है तो इसका मतलब वो उछल करके प्रहार करने वाली है। जब सर्प अपना फन पीछे को लेता है इसका मतलब वो काटने के लिए तैयारी कर रहा है। तो जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं अगर वो आपके सामने झुके तो ये मत समझिए कि ये झुक गए, बहुत सतर्क होकर के रहना चाहिए। कली आज साष्टांग लेट गया है, कहने लगा महाराज मेरी एक योग्यता भी है। क्या योग्यता है? कहा कि कलयुग में जो भी भगवान का नाम लेगा, हैं, सतयुग में हजारों हजार वर्ष तप करने से जो प्राप्त नहीं होता, त्रेता में यज्ञ करने से जो नहीं मिलता, द्वापर में जप तप करने से, व्रत करने से जो प्राप्त नहीं होता, वह फल कलयुग में मात्र भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। अब तो महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि बताओ हम तुम्हें चार स्थान देते हैं, तुम चार स्थानों पर रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चार स्थान कौन कौन से हैं? कि द्यूतम पानम स्त्रिया सूनम। कौन कौन से हैं? जहां द्यूत खेला जाए, जहां द्यूत समझते हैं, जहां जुआ खेला जाए, तो द्यूतम पानम जहां पान किया जाए, जहां मदिरा का पान हो रहा हो, ऐसे स्थान पर कली का वास होता है। और स्त्रिया सूनम जहां पर जो है स्त्रियों का क्रय विक्रय हो रहा हो, जहां वेश्यावृत्ति हो रही हो, ऐसी जगह पर कली का वास होता है। और जहां पर हिंसा हो रही हो ऐसे स्थान पर क्या होगा? कली का वास होता है। ये चार स्थान जो है महाराज परीक्षित ने दिए हैं। कलिकाल ने कहा अरे भैया हे महाराज ये चार स्थान आपने हमको दिए, लेकिन चारों के चारों स्थान ऐसे दिए, कोई एक सुंदर सा स्थान भी हमको दीजिए।
तो जब बारंबार पुनः याचना करी तो पुनश्च याचमान आया जात रूप मदार प्रभु। परीक्षित महाराज ने कहा कि जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा स्थान होगा। अब तो जब स्वर्ण में स्थान दे दिया, जब स्वर्ण में स्थान दे दिया तो स्वर्ण में स्थान देकर के एक बार की बात है कि महाराज परीक्षित अपने राज्य में बैठे हैं, मन में विचार हुआ आखेट करने जाएं, अपने भंडार में गए हैं जहां राज्य का कोष पड़ा है, वहां पर जरासंध का एक पुराना मुकुट है, उस मुकुट को धारण कर लिया महाराज परीक्षित ने। और धारण करके जब जंगल में आखेट करने के लिए गए तो उसी स्वर्ण में यह कली प्रवेश कर गया है। अब तो शमीक मुनि के आश्रम के पास में जब महाराज परीक्षित रुके हैं आवाज लगाई कि हे ऋषि जी, हे महात्मन, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। लेकिन शमीक मुनि जो है आश्रम में बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित मन में विचार कर रहे हैं कि ये जो मुनि हैं ये ढोंग कर रहे हैं, हैं? राजा की सेवा न करनी पड़ जाए इसलिए बहाने बना रहे हैं। अब तो क्रोध आ गया महाराज परीक्षित को। पास में गए हैं और पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, उस सर्प को उठा करके शमीक मुनि के गले में डाल दिया और वहां से आ गए हैं। इधर कुछ बालकों ने देखा कि शमीक मुनि के गले में सर्प, मरा हुआ सर्प पड़ा है। जा करके शमीक मुनि के बालक हैं श्रृंगी, वो नदी में स्नान कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कुछ बालकों ने बताया कि अरे तुम्हारे पिताजी के गले में किसी राजा ने सर्प डाल दिया। भयंकर क्रोध आ गया कि मेरे पिताजी की ऐसी अवहेलना, कौन इस संसार में ऐसा क्षत्रिय है जो ब्राह्मणों का संतों का अपमान कर रहा है। तुरंत उस नदी से जल अंजलि में लिया है और श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षामि स्म कलंगारं चोदितो मे तद्द्रोहम। आज ठीक सातवें दिन जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प डाला, सातवें दिन तक्षक नाक के काटने से उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया, जल को छोड़ दिया। अब तो रोते रोते जब आश्रम में आए पिताजी के पास, पिताजी उठे कि बेटा क्या बात हो गई, रोते रोते आ रहे हो। कहा कि पिताजी ये आपके गले में देखिए मरा हुआ सर्प है। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं। कहा कि किसी राजा ने आपके गले में ये सर्प डाल दिया। लोगों ने आकर के बताया कि महाराज परीक्षित थे। तो पिताजी ने कहा कि बेटा आपने कोई श्राप तो नहीं दिया। बेटे ने कहा नहीं नहीं, मैंने तो श्राप दे दिया कि आज से ठीक सातवें दिन तक शक्के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो जो पिता हैं शमीक मुनि कहने लगे, बेटा महाराज परीक्षित जैसा उदार चित्र जो राजा है वह अब यदा कदा ही संसार में अवतार लेगा, यदा कदा ही संसार में आवेगा। बेटा बहुत गलत हो गया, वो तो संतों का सम्मान करने वाले थे। तुरंत एक दूत को भेजा गया, एक शिष्य को भेजा गया कि जाकर के राजा को बताओ कि आज से ठीक सातवें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अपने उद्धार के लिए जो कुछ कर्म तुम्हें करना है वह करो। अब तो शिष्य ने आकर के महाराज परीक्षित को बताया है। जब परीक्षित को पता चला, इस मुकुट को उतार करके राजा परीक्षित को लगा इस बात का कि आज मैंने बड़ा भारी अपराध कर दिया। शिष्य ने आकर के बताया कि सातवें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। संपूर्ण राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को देकर के आज वल्कल वस्त्रों को धारण करके महाराज परीक्षित गंगा जी के तट पर आए हैं। जब बड़े बड़े ऋषियों को ज्ञात हुआ कि महाराज परीक्षित राज्य को त्याग करके गंगा जी के तट पर आ गए हैं, बड़े बड़े ऋषिगण संतगण महाराज परीक्षित के दर्शन हेतु गंगा जी के तट पर आए हैं, सबसे महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, मृय मानस किम कर्तव्यम, जो मरण धर्म जीव है उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यही विचार कर रहे हैं। लेकिन कोई भी उत्तर को देने में सक्षम नहीं है। सहसा श्री सुखदेव मुनि का आगमन हुआ। प्रेम से बोले सुखदेव महाराज की जय। सुखदेव जी का आगमन हुआ, अवधूत वेश सुखदेव मुनि का है। सुखदेव जी को प्रणाम किया महाराज परीक्षित ने, प्रश्न किया कि हे महामुनि, हे गुरुदेव, मुझे बताइए कि मृय मानस किम कर्तव्यम, जो मरण धर्म जीव है, क्योंकि एक दिन जीव को मर जाना है और सात दिवस के भीतर ही हमको भी मृत्यु आनी है। हे गुरुदेव, हमें बताइए कि जो मरण धर्मा जीव है उसको क्या करना चाहिए। बस यही एक प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर, जो मरण धर्मा जीव है उसको क्या करना चाहिए अपने जीवन में, किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, सुखदेव मुनि के द्वारा जो ज्ञान महाराज परीक्षित को दिया गया वह हम कल की कथा में, तृतीय दिवस की कथा में
उस कथा का श्रवण करेंगे। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती, प्रसाद वितरण। प्रेम से बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण जय जय